स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्लीज डू ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट बॉक्स विद रेस्पेक्ट टू द क्लियरिटी ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। आज सिलेबस डिस्कशन करेंगे पेपर 3 एंड पेपर 4 का। उससे पहले, सिंस आई कुड नॉट टेक क्लास यस्टरडे, देयर इज वन एस्पेक्ट व्हिच आई लाइक टू शेयर विद यू पीपल with respect to your approach in civil services. Paper 1, कभी भी कोई भी आंसर लिखो with respect to mains, paper 1, 2, 3, 4 and other things. एक चीज क्लियर रखना, देर आर सर्टन टॉपिक्स विच आर कॉमन इन ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द पेपर्स। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी इज वन टॉपिक जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इंक्लूसिव ग्रोथ पेपर 2 में भी काम आता है गुड गवर्नेंस के अंदर, और पेपर 3 के अंदर स्पेसिफिकली मेंशनड है। अब इसके अंदर जब क्वेश्चन आते हैं तो एक स्टैंडर्ड आंसर बना के आगे मत बढ़ना। पेपर 3 में अगर सेम टॉपिक जैसे पॉवर्टी का क्वेश्चन आता है तो बड़ा अलग से उसका प्रेजेंटेशन होगा। योर अप्रोच वुड बी completely different when compared to a question which appears in paper 1 of your Indian society. अब एक thumb rule जो I believe जो आपको शायद follow करना चाहिए with respect to your mains is this. Paper 1 को society के point of view से लिखना है तुम्हें। Always take society at the center और समाज के नजरिए से उस चीज के ऊपर उसका impact क्या है, वो कैसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो समाज के नजरिए से लिखेंगे हम। तो फॉर एग्जाम्पल, यूसीसी का क्वेश्चन अगर पेपर 1 में आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से जो इंस्पायर है, यूसीसी का आंसर पेपर 1 में लिखते वक्त आपको ये समाज के नजरिए से देखना है। क्या इससे समाज के अंदर यूनिटी ज्यादा बेहतर हो पाएगी या फिर इससे समाज के अंदर डिफरेंसेस ज्यादा संगीन हो जाएंगे? तो उधर गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव नहीं लिखना है, उधर लीगल पर्सपेक्टिव नहीं लिखना है। लेकिन यही यूसीसी का क्वेश्चन अगर गवर्नेंस के अंदर आ जाए, पेपर 2 के अंदर आ जाए विद रिस्पेक्ट टू योर इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेरा अप्रोच यूसीसी में गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो पेपर 1 ऑलवेज टेक सोसाइटी पर्सपेक्टिव। देयर शुड नॉट बी इवन अ औंस ऑफ फियर दैट सर ये सरकार के नजरिए से नहीं लिख पाएंगे। ये यूपीएससी के अंदर आपको ये नहीं प्रूव करना कि आप कितने प्रो गवर्नमेंट हो। यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर आपको जो प्रूफ करना होता है वो है आपकी थिंकिंग कैपेसिटीज, योर स्किल्स। और स्किल्स आपको डिमांड पता होने से पता चल पाएगी। पेपर 2 के अंदर ऑलवेज टेक राइट द आंसर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट यू आर एन आईएएस ऑफिसर। आप ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी में हो और ब्यूरोक्रेसी के नजरिए से आंसर लिखो। एग्जाम्पल, अगर यूबीआई बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर पॉवर्टी का बहुत अच्छा सॉल्यूशन माना जा सकता है, तो पेपर 2 में मैं उसके अंदर लिखूंगा कि साहब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार के नजरिए से क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्यों शायद इस बेसिस के कारण ये नहीं होना चाहिए, चाहे कितनी भी इसकी और पॉजिटिव इंपैक्ट हो, बिकॉज प्रैक्टिसिंग यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज गोइंग टू बिकम अ डिफिकल्ट प्रपोजल फॉर द गवर्नमेंट टू मेंटेन इट्स एक्सपेंडिचर्स। पेपर 3 जब लिखो तो आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव सेंटर में होना चाहिए। किसी भी चीज का वे फॉरवर्ड, किसी भी चीज की एनालिसिस करते वक्त आपको उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ध्यान में रखना है। हवाबाजी नहीं करनी है यहां पे, हाँ ये बहुत बढ़िया गवर्नमेंट रिफॉर्म है, ले लो, लेके आ जाओ। उस रिफॉर्म को लाने में अगर आपका कॉस्ट 500 करोड़ रुपए लग रहा है और उसका बेनिफिट 300 करोड़ आ रहा है, तो भैया मैं उसको सपोर्ट नहीं करूंगा पेपर 3 के अंदर। पेपर 1 के अंदर शायद मैं सपोर्ट कर दूं उसे, क्यों? समाज के नजरिए से मुझे इवैल्यूएशन करना है चीजों को। पेपर 4 में जब पहुंचो तो पेपर 4 के पर्सपेक्टिव्स विद, आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट द क्लास सिलेबस डिस्कशन ऑफ पेपर 3 एंड पेपर 4। आई एम प्रीटी मच क्लियर? पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस हो गया था कल, राइट? कि पेपर 1 और 2 को अप्रोच कैसे होना चाहिए, उसके सिलेबस क्या है, एंड व्हाट आर द वेरियस अंडरस्टैंडिंग्स व्हिच यू शुड नेसेसरीली डेवलप बिफोर एंटरिंग इनटू द रियल्म ऑफ सिविल सर्विसेज। पेपर 4 के अंदर ऑलवेज एज अ थंब रूल फॉलो द लेटर्स ऑफ लॉ, सॉरी स्पिरिट ऑफ लॉ, नॉट लेटर्स ऑफ लॉ।
स्पिरिट ऑफ लॉ को फॉलो करना है, नॉट जस्ट लेटर्स ऑफ लॉ। ये खूबसूरती है पेपर फोर की। पेपर फोर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको स्पिरिट ऑफ लॉ फॉलो करनी है। मतलब अगर स्कीम में कुछ लिखा हुआ है, प्रोसीजर्स होते हैं। देखो, एक स्कीम बनती है, क्या होता है मैं समझाता हूं। कैबिनेट डिस्कशन होता है, ये पेपर टू के अंदर कल देखा होगा आपने। कैबिनेट पेपर्स बनते हैं, इस कैबिनेट पेपर से फाइनली पॉलिसी बनती है, इस पॉलिसी की डिटेल्ड रूल्स बनती है, यहां पे आपकी एडमिनिस्ट्रेशन काम आती है, सेक्रेटरीज एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। ये डिटेल रूल्स के बेसिस पे फाइनल शेप आता है एक पॉलिसी का, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जाता है। इससे एक रिपोर्ट कार्ड आता है इसका, और इस रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पे फिर चेंजेस की जाती है। दिस इज एग्जैक्टली द साइकिल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, हाउ अ पॉलिसी टेक्स अ फाइनल शेप एंड हाउ इट प्रोग्रेसेस एंड प्रैक्टिस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब होता क्या है, ये जो डिटेल्ड रूल्स है यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, ये स्कीम के लिए एज क्या रहेगी, प्रोसीजर क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, किसको देनी है किसको नहीं देनी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब ये जाती है तो कल जाके आप जब ये पोजीशन संभालोगे तो उन पोजीशंस के ऊपर आप इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट करोगे। ठीक। अब कई बार आप देखोगे कि साहब लिखा हुआ है कि 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को ये स्कीम मिलेगी, उसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा 60 साल के हो आप। अब मान लो कोई ऐसा डिजास्टर घट गया किसी समाज के अंदर, सारे डॉक्यूमेंट्स तबाह हो गए हैं, एक बंदा आता है जो आपको देखने से ही लग रहा है सीनियर सिटीजन है, कि मतलब काफी बूढ़े बाबा आते हैं आपके पास में और मानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ये स्कीम निकाली है सरकार ने, मुझे इसका मुआवजा चाहिए या बेनिफिट चाहिए। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब स्ट्रेस कर रहे हैं, नहीं साहब आप मुझे आधार कार्ड ला के दो, नहीं साहब आप मुझे पैन कार्ड ला के दो, नहीं साहब आप मुझे बर्थ सर्टिफिकेट ला के दो, नहीं साहब आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ला के दो, साहब मेरे पास अब ऐसा तो कुछ है नहीं, अब जो था वो सब चला गया। अब इधर लेटर्स ऑफ लॉ फॉलो करने वाले बोलेंगे, नहीं साहब देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये स्कीम में ये दिया हुआ, ये डॉक्यूमेंट मुझे देंगे, मैं आपको स्कीम का बेनिफिट दे दूंगा। लेटर्स ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ कब होती है, जब आपको पता है कि ठीक है यार, मुझे दिखाई दे रहा है ये सीनियर सिटीजन है, आपने इसको बेनिफिट्स दे दिए, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद आपने उसके डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए, शायद आपको उसे इमीडिएटली बेनिफिट दिया गया। क्यों? वहां पे स्पिरिट फॉलो करनी है। उस पॉलिसी की स्पिरिट ये थी कि कुछ लोग जो पीड़ित है उस सर्कमस्टेंसेस में उन्हें बेनिफिट दिया जाए। अब उस स्कीम के बेनिफिट ही उन पीड़ितों तक नहीं पहुंचेंगे तो उस स्कीम का कोई मतलब नहीं बच गया है। अब अगर एक कलेक्टरेट या फिर एक ऑफिसर एक या फिर एक यू नो रिटर्निंग ऑफिसर उन प्रोसीजर्स पे स्ट्रेस करने लगे तो स्कीम का तो पर्पस और ऑब्जेक्टिव डिफीट हो चुका है। दिस इज व्हाट आई से, स्पिरिट ऑफ लॉ फॉलो किया जाएगा। लुक इनटू व्हाट वाज द गोल ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ, ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर लॉ, एसेंस ऑफ पर्टिकुलर लॉ। अगर कभी स्पिरिट और लेटर्स में कॉन्ट्राडिक्शन आए, अब ये आपका चॉइस हो सकता है गाइस, अगर कभी ये कॉन्ट्रडिक्शन आए तो मेक श्योर, मैं अगर होता तो मैं स्पिरिट को फॉलो करता। क्यों? लेटर्स आपकी स्पिरिट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, उसको वायलेट करने के लिए नहीं बनाया जाता है। वो प्रोसीजर्स का मतलब इसलिए था कि सब जगह एक तरीके से एक लहजे से स्कीम इंप्लीमेंट हो सके, कोई अपने हिसाब से नहीं करने लगे कल कलेक्टर कोई। अब उसी लेटर को मैं स्ट्रेस करने लगूं और बेनिफिशियरीज या पीड़ितों को वो बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो सरकार का पर्पस डिफीटेड है उस स्कीम के लिए, देयर इज नो पॉइंट। तो केस स्टडीज में जब आप जाओगे, अगर ये थंब रूल याद रह गया, तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई केस स्टडी नहीं होगी जो तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। निचोड़ है पूरे के पूरे एथिक्स का, पूरे पेपर के एथिक्स का निचोड़ है कि तुम्हें फॉलो ये करना है। अब ये चार मूल रूल्स फॉलो कर लो विथ रेस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग इन रेस्पेक्टिव पेपर्स। इज द पॉइंट क्लियर टिल हियर? गाइस,
क्लियर के हाउ यू शुड अप्रोच योर मेंस। पूरा पेपर पढ़ते वक्त एक एक चीज दिमाग में रहनी चाहिए। हाँ, कोई भी मैं सजेशन सोच रहा हूं, कोई भी मैं चीज पढ़ रहा हूं, समाज के नजरिए से पढ़नी है, सरकार के नजरिए से पढ़नी है, इकोनॉमिक्स बेनिफिट से नजरिए से पढ़नी है, या फिर एक एथिकल पर्सपेक्टिव से मुझे चीजों को देखना है, समझना है या इंप्लीमेंट करना है। अब आते हैं आज का जो मेरा टारगेट है, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 आप सब जानते हो मोर और लेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स का पेपर माना जाता है, और ये है जो आपका एथिक्स का पेपर है। कोई भी बंदा एक हैंड रेस कर ले, एक सवाल पूछूंगा छोटा सा, देखते हैं आप जवाब दे पाते हो कि नहीं। गाइज अभी पेपर 2 का तो आई एम नॉट श्योर अभी कर पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज व्हाट आई हैव बीन सेड इज पेपर। हाँ, कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जल्दी, फिर इसको खत्म करूंगा आपका, फिर पेपर 2 भी मैं करवा दूंगा आज, ठीक है। बट पहले ये खत्म करते हैं ताकि एटलीस्ट मेरा जो गिवन टारगेट है वो खत्म किया जाए। मुझे थोड़ा सा लेटर की तरफ पहले फोकस करना पड़ेगा, बट रेस्ट अश्योर्ड इन द लास्ट इफ पॉसिबल मैं उतना ही डिटेल में पेपर 2 भी कर दूंगा, ठीक है, दैट्स माय प्रॉमिस। बट हैंड रेस करोगे तो यार आज देखते हैं कौन कितना ज्यादा इंटरैक्ट करता है। इफ यू डू नॉट इंटरैक्ट देन आई एम नॉट कंसर्न विद योर पेपर 2, आई विल बी फॉलोइंग ओनली लेटर्स ऑफ लॉ। अरे रुको, है कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे पेपर 2 भी करेंगे। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ओके, पेपर 3 का सिलेबस देखा आपने? नहीं सर, अभी तो नहीं देखा। अच्छा, क्या करना है यार, अभी तो आराम से थोड़ा सा चिल मारेंगे, आराम से 27-28 तक सिलेक्शन लेना है, टारगेट भी तो दूर है हमारा, अभी अगले साल तो लेना नहीं है, राइट? नो सर। नहीं लग रहा मुझे यार, हाँ कुछ बोलूंगा तो फिर तुम बोलने लगते हो सर, डिमोटिवेट करने लगते हो आप। एक्चुअली सर, आई हैव एग्जाम टिल टुडे, दैट इज आई हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड बट नॉट इन अ रीजनेबल फॉर्म। क्या लगता है? यस सर, कार्ल मार्क्स का कहना था ये, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज का रीजन है, चलो कोई बात नहीं, अब देखना जरूर यार, ठीक है, इतना जस्टिस करना सिलेबस के साथ। पेपर 3 एटलीस्ट इतना तो पता है, इकोनॉमिक्स पेपर बोला जाता है, नहीं पता? यस सर, नहीं पता तो बोलो यार, किसी और से पूछ देता, कि सबको फायदा होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, वापस पूछता हूं तुम्हें कुछ और। गाइज एनीबडी एल्स? अंजौरी खन्ना थोड़ा सा सिलेबस देखो यार। अंजौरी, आई होप अनम्यूट हो जाए अंजौरी, नाम थोड़ा सा अलग है यार, नहीं हुआ। नेहा पाटिल, नेहा, हेलो सर। नेहा, सिलेबस देखा पेपर 3 का? हाँ सर, देखा है। अंजौरी एक बार म्यूट कर लेना प्लीज, मैं नेहा से बात कर रहा हूँ, आपका भी सडनली अनम्यूट हो गया इधर। हेलो गाइस, दोनों अनम्यूट मत रखो यार। हाँ नेहा, यस सर, मुझे सिर्फ इतना बताओ, इकोनॉमिक्स का पेपर क्यों बोला जाता है इसे? बजटिंग और मतलब जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट की स्कीम्स तो पेपर 2 में भी है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल जस्टिस, वल्नरेबल सेक्शंस, बट इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा उस पे, मतलब सिलेबस में उस पे लिखा गया है। सिलेबस में तो इकोनॉमिक सिर्फ एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है जी। पहला पैराग्राफ है सिर्फ जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। हाँ, अब देखना सिलेबस, मेरा तो बनाया हुआ नहीं है, पहला पैराग्राफ है, फिर भी इसे इकोनॉमिक्स इसलिए बोला जाता है। पूरा पेपर 3 समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, और आज के बाद जब पेपर 3 में आंसर राइटिंग करो, सिर्फ ये वाला फ्लो चार्ट याद रखने ना, पूरा सिलेबस यहां पे गिरफ्त में होगा। हुआ क्या पेपर 3 के अंदर, अगर आप सिलेबस सामने हैं और देख रहे हो,
तो एक चीज नोट करोगे, सबसे पहला पैराग्राफ अगर आप देखो तो इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर है, है क्या नेहा? यस सर। प्लानिंग, रिसोर्सर्स, ये सारी चीजें हैं। ये है फर्स्ट पैराग्राफ, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू, किस किस चीज से इश्यूज है ये ध्यान से समझोगे। प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूं, आपको फोकस में रखना है ये। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, नेहा एक बार म्यूट कर लेना प्लीज। ये है फर्स्ट पैराग्राफ आपके सिलेबस पेपर 3 के अंदर, कि यहां पे आपको पूछा गया है कि भैया आप ये थोड़े से इश्यूज रिलेटेड इन सारी चीजों से देखो, प्लानिंग से रिलेटेड, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस से रिलेटेड, कैसे रिसोर्सेस मोबिलाइज करने हैं उसको यूज करना है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ये सारे कंसर्न्स तुम्हें देखने हैं। एक पॉइंट जो तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए वो ये है, इन सब के अंदर एक वर्ड यूज किया गया है जिसको मैं रेड में लिख रहा हूं, इश्यूज, मतलब कंसर्न्स। भाई प्लानिंग में क्या दिक्कत आ रही है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन की इश्यू क्या है, या फिर एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या इश्यूज है, परमानेंट है कि नहीं, टेम्पररी है, वेजेस लो है क्या, वेजेस ज्यादा हाई हो गई क्या, एक्स वाई जेड। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ग्रोथ का मतलब जीडीपी वाला पार्ट, नंबर्स, क्वांटिटी, डेवलपमेंट का मतलब क्वालिटी वाला पार्ट। पहले पैराग्राफ में आपको दिया है बेसिक इकोनॉमिक्स, but this basic is with respect to current scenario, मतलब तुम्हें यहां पे इकोनॉमिक प्लानिंग की थियरियां नहीं पढ़नी है भाई। क्यों नहीं पढ़नी है सर, कैसे बोल सकते हो आप? सिलेबस का दूसरा पॉइंट फोकस करो, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये चार चीजों के कंसर्न्स क्या है, और इंडियन इकोनॉमी के अंदर ये कंसर्न्स तुम्हें समझ में आते हैं जब पहला स्टेप आपने इनका बेसिक क्लियर कर लिया। प्लानिंग क्या होती है, 5-year प्लान क्या थे, प्लानिंग कमीशन क्या था, नीति आयोग क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, जेंडर पर्सपेक्टिव से प्लानिंग कैसे होती है, शॉर्ट टर्म प्लान कैसे है, सेक्टर स्पेसिफिक प्लान्स क्या है, ये कहां मिलेगी, थियरी में मिलेगी। और उसको खत्म वहीं पे नहीं करना है, उसके बाद आज क्या कंसर्न्स हैं इन प्लानिंग के अंदर, सेम चीज अप्लाइज टू ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स। एवरी बच्चा लोग इज विथ मी टिल हियर। पहला पार्ट तोड़ा है जहां पे दो चीजों पे फोकस होना चाहिए तुम्हारा, इश्यूज रिलेटेड टू दिस और करंट सिनेरियो और बेसिक, दोनों क्लियर होना चाहिए यहां पे। अगर किसी बच्चे ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एनसीईआरटी पढ़ के छोड़ दिया तो उसका सिर्फ बेसिक तो क्लियर हो गया, ये वाला पार्ट हमेशा ठप पड़ गया। मेक श्योर दोनों एक साथ चलेंगे यहां पे। अब दूसरी चीज तुम्हें फोकस रखना है इश्यूज, मतलब आज तक की हिस्ट्री उठाओ, जब से पैटर्न चेंज हुआ है मेंस का, पेपर 3 में इन चारों टॉपिक के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया इकोनॉमिक्स में। उठाओ हिस्ट्री, देखो प्रीवियस ईयर्स पेपर एक बार, डायरेक्टली जो वर्ड मेंशनड है ना उधर से ही साला क्वेश्चन पूछा है, और क्या पूछा है वो भी जाके देखो, शॉक हो जाएगा लिटरली।
इश्यूज क्या है उनमें, पॉजिटिव नहीं पूछा, एडवांटेज नहीं पूछी, प्रोग्रेस नहीं पूछा। प्रोग्रेस पूछा तो इश्यूज से कंसर्न में, कि ऐसे ऐसे चेंज हुई तो इससे क्या क्या इश्यूज जनरेट हो रहे हैं, ऐसे क्या क्या चैलेंजेस जनरेट हो रहे हैं। साला यूपीएससी इतना स्पेसिफिक है और हम लोग फालतू की ये बात करते हैं कि प्रिडिक्टेबल नहीं है पेपर, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ूंगा मैं सर। क्यों, चार से बाहर तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है यार, और ये चार को कंप्लीट करने के लिए चाहिए ज्यादा से ज्यादा 14 दिन मैक्सिमम। पता नहीं लोग 10-10 महीने का जीएस प्रोग्राम क्यों चलाते हैं, क्यों साला बेस से स्टार्ट करके एंड तक पढ़ते चले जाते हैं हम लोग, बिना ये सोचे कि जरूरी क्या था। इधर ये चार टॉपिक ग्रिप पे आने चाहिए सर, इनके बाहर बहुत और भी चीजें हैं। देखो इनडायरेक्टली चीजें इनसे कनेक्टेड होगी, प्लानिंग किस पे डिपेंड करती है, आपकी इन्फ्लेशन रेट पे भी डिपेंड करती है, आपकी आइडियोलॉजी पे भी डिपेंड करती है, लेकिन वो सेकेंडरी एस्पेक्ट है यार, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो कनेक्टिंग टॉपिक से करके क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हें। सेकेंड पैराग्राफ में आगे बढ़ते हैं, अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं सिलेबस। पहले पैराग्राफ में इसने ये बोला, और एक इश्यू और है गवर्नमेंट बजटिंग और इंक्लूसिव, इसको मैं एक बार आगे पुट अप करूंगा, एक बार इन दोनों को इश्यूज को यहां छोड़ते हैं, लेट्स मेक अ कनेक्शन फर्स्ट। ये था बेसिक वाला पार्ट। अब ये बोला गया कि भाई देखो, कोई भी प्लानिंग, कोई भी ग्रोथ की पॉलिसी, कोई भी एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी या कोई भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की पॉलिसी, इन सब को करने के लिए मान लो एक सरकार ने मीटिंग बिठाई, सारे इकोनॉमिस्ट को बुलाया, बताओ भाई क्या क्या करना है। उन्होंने बोला साहब ये चार चीजों पे फोकस करो, ठीक है, सबको बोला चलो जाओ अब बताओ इन चारों चीजों पे क्या करना चाहिए। अगले दिन फिर मीटिंग आई, ध्यान से सुनना स्टोरी लाइन, तो सबसे पहले बोला कि सर इन चारों चीजों को करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। सब प्राइवेट सेक्टर तो डेवलप नहीं था 1947 के अंदर, सरकार का ही एक ऑप्शन था शायद, सरकार ही करेगी, बाकी लोग क्यों करेंगे इसको ऐसे, क्यों प्राइवेट भी कर सकती है। हाँ सर, लेकिन कल आपने मुझे एक चीज बोली थी कि ये चारों चीजों को इस तरीके से करना है कि ये इंश्योर किया जा सके, इंक्लूसिव होना चाहिए ये सब, मतलब इंक्लूसिव होना चाहिए, सॉरी आपका ग्रोथ जो है वो इंक्लूसिव होना चाहिए। क्योंकि सर आपने इन चारों में मुझे क्लियरली बोला था जो ग्रोथ लेके आएंगे वो इंक्लूसिव होना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये है इंक्लूसिव ग्रोथ। तो साहब इस इंक्लूसिव ग्रोथ को कैसे लाना पड़ेगा, देखिए सर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये चारों चीजों में काम करेगी, हो सब बहुत बढ़िया से काम कर सकती है, लेकिन साहब वहां से इंक्लूसिव हो ग्रोथ ये जरूरी नहीं है। वो रिजर्वेशन को नहीं लगाने वाले हैं, वो प्रॉफिट देखेंगे भाई, अब क्या किया जाए। इस इंक्लूसिव ग्रोथ को लाने के लिए इस मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को इस तरीके से किया जाना चाहिए कि ये सबको इंक्लूड करके चल रहा हो, मतलब इस मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस को करने के लिए आपको चाहिएगा गवर्नमेंट बजटिंग। ये है पहले दो टॉप, सॉरी एक टॉपिक आपका जो सिलेबस में मेंशन्ड है। एक क्यों बोला, इन टॉपिक से निकलते हैं दो सब टॉपिक्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस के लिए आई बजटिंग, इसको इतना टैक्स देंगे ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इसको इतना चार्ज करेंगे, ये सीएसआर लेके आओ तुम, ये कॉर्पोरेट टैक्स हम हटा रहे हैं, ये वाला ऐसे चेंज कर देंगे, ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री कर देंगे। गवर्नमेंट बजटिंग एक तरीका है
किस सेक्टर को डेवलप करना है, किस सेक्टर को रेस्ट्रेन करना है, किस सेक्टर को सब्सिडी देनी है, किस सेक्टर को किसी और तरीके से अप्रोच करना है। तो गवर्नमेंट बजटिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टॉपिक, इट इज मोर और लेस कनेक्टेड विथ योर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज इन ऑर्डर टू मोबिलाइज रिसोर्सेज वन वुड हैव टू हैव अ क्लियर कट बजट, वन वुड हैव टू हैव अ क्लियर कट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, नीति आयोग और प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके कारण ये सही तरीके से मोबिलाइज हो। ग्रोथ जो करना है वो इंक्लूसिव करना है। पहला पार्ट ऑफ सिलेबस तुम्हारा इस तरीके से मेंशन्ड है, लेकिन क्वेश्चन अब ये आता है कि ये इनके अंदर भी आपको यूपीएससी ने पूछा क्या है, वर्ड नोट करते जाना रेड वाला, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। ये तो जानना ही जानना है, इससे इश्यू क्या आ रहा है। साहब इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करते करते देखो समाज इस लेवल पे पहुंच गया है कि ग्रोथ रेट ठप पड़ जा रही है। क्यों साहब? मेरिटोक्रेसी नहीं आ पा रही है साहब, कहीं ना कहीं हमारी ऑब्लिगेशन इंक्लूसिव की होने के कारण प्रॉफिट नहीं देख पा रहे हैं हम। साहब इंक्लूसिव होने के कारण बैकवर्ड एरिया के अंदर इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी पड़ रही है साहब, इसके कारण रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं साहब, बीइंग डूइंग इज बिजनेस इंडेक्स खत्म हो जा रहा है हमारा। क्यों? बिकॉज सरकार का ग्रोथ नहीं चाहिए सिर्फ उन्हें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, और इंक्लूजन के लिए कुछ सेट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस आपको करनी पड़ती है, और उसके कारण आपका हैम्पर क्या हो जाता है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। कनेक्शन समझ में आया? एक टॉपिक पे आंसर आने से कैसे दो पॉइंट तुम्हें अपने ही सिलेबस से मिल जाएंगे। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कब हो पाएगा? जब प्लानिंग ठीक होनी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट ठीक होना पड़ेगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्लूसिव होना पड़ेगा। इज द फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर? कि टॉपिक इन पांचों में से कहीं पे भी आ जाए, एक दो तीन में से, तुम्हारा पॉइंट जो होना चाहिए आंसर में, पहले इन सारी चीजों को टैकल करना पड़ेगा। एवरीबडी क्लियर कि कैसे एक दूसरे से इंटरट्वाइंड है सिलेबस एज फार एज द फर्स्ट पार्ट इज कंसर्न्ड। अगर मैं आज आपसे पूछूं एम्प्लॉयमेंट लाने के तरीके क्या है, साहब प्लानिंग करो ठीक से फॉर्मल जॉब्स, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक से करना पड़ेगा ताकि लोगों को कहीं ना कहीं मिनिमम वेजेस इंश्योर की जा सके, ग्रोथ और डेवलपमेंट को इंक्लूसिव रखना पड़ेगा ताकि एम्प्लॉयमेंट जो आ रहा है सबके लिए आ रहा है, कुछ सर्टन सेक्शन या कास्ट के लिए नहीं आ रहा है। वाओ नेहा गजब लोग हो यार तुम, दिस इज पेपर थ्री गाइस, कर क्या रहे हो यार नेहा पाटिल, पेपर थ्री मतलब कोई सिलेबस कॉपी सामने लेके नहीं बैठा है, इसलिए एक्चुअली डिमोटिवेट हो जाता है टीचर, मतलब चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझोगे, लेट्स नॉट बी पेसिमिस्टिक। सेकंड, ये कुछ चीजें दी गई, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ ये कनेक्ट नहीं करके बताऊंगा, इसके आगे की चीज कनेक्ट करूंगा, ये वाला एक बार रब कर रहा हूं मैं, इज दैट फाइन, ताकि आगे वाली चीजें आपको पता चल गया कहां पे आ रहा है, ये लिख के रख लेना गाइस, काम आएगा आगे ये वाला पार्ट। अब सरकार की मीटिंग में फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई हमको इन चीजों पर ध्यान देना है, अब फोकस यह है कि ये सारी चीजें इंश्योर करने के लिए हमें अलग अलग सेक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। किस पे? पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्रीज, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है टेक्नोलॉजी,
और पांचवा है एनवायरनमेंट। पूरा सिलेबस पेपर टू का खत्म होता है यहां पे, सॉरी पेपर थ्री का। ये है सिलेबस का मेजर मूल्यांकन। बेसिक इकोनॉमिक्स के अंदर जो जो चीजें तुम पढ़ोगे, तुम सारी चीजें पढ़ोगे उसके अंदर, इन सब एस्पेक्ट के अंदर। सिलेबस में ये डिवाइड किया गया है सिलेबस इन लेवल्स पे। एक और चीज आती है, आगे आएंगे, बट फिलहाल ये सारी चीजें इसमें देखनी है। मतलब एग्रीकल्चर में प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे करना है, एग्रीकल्चर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे इंश्योर कराना है, एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट को कैसे टैकल करना है, इंडस्ट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करनी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या कंसर्न्स हमको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्यों अलग से एक रिंक में लिखा है मैंने, इकोलॉजी अगर ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ये सारी चीजें चाहे कितनी भी बेहतर कर ले, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दे सकता है, लॉन्ग टर्म नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे। आप इज दिस क्लियर कि सबसे पहले हमें पूरे पेपर थ्री के सिलेबस को कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करना है। अब सिलेबस के अंदर एक एक चीज की डिटेल दी हुई है, क्या क्या पढ़ना है तुम्हें इधर। लेकिन उससे पहले एक और चीज, मीटिंग के अंदर फाइनली ये सारी चीजें डिस्कस हो गई, फिर फाइनली किसी ने हाथ उठा के बोला साहब एक चीज है, ये सारा जो डेवलपमेंट मैट्रिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं हर सेगमेंट के अंदर, साहब ये हो नहीं पाएगा अगर एक चीज को ध्यान में नहीं रखा आपने। ऐसे क्या चीज है भाई, इन सब के अंदर डेवलपमेंट या फिर ये चीजें इंश्योर करने के लिए तुम्हें सबसे पहले इंश्योर करनी पड़ेगी लॉ एंड ऑर्डर। इसलिए आज शायद समझ में आएगा पेपर थ्री के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी क्यों है, क्यों नहीं ये पेपर टू के अंदर थी जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, गवर्नमेंट, गवर्नेंस, सब आईआर सब चल रहा था। क्यों? बिकॉज डेवलपमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर। और इधर आपके सिलेबस में मेंशन है आपका इंटरनल टेररिज्म एक्सेट्रा, वो सिक्योरिटी वाला पार्ट। यहां पे लगती है सिलेबस में फुल स्टॉप। तो अगर मैं पूरे पेपर थ्री के सिलेबस को डिवाइड करूं तो तीन क्राइटेरियाज है इधर, स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स एंड लॉ एंड ऑर्डर टू इंश्योर द प्रैक्टिस ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। एवरी बच्चा इज विथ मी टिल हियर कि दिस इज योर पेपर थ्री सिलेबस। तीन पार्ट तुम्हें ध्यान रखने हैं। अब आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ के बताता हूं, देखो इस सिलेबस से कैसे यू कैन टैकल मेनी ऑफ द क्वेश्चंस। कल मान लो कोई क्वेश्चन आए इंडस्ट्रीज के अंदर, ध्यान से समझना, कोई भी एक इंडस्ट्री मान लो कोई क्वेश्चन आया, तुम्हें कुछ नहीं आता उस इंडस्ट्री के बारे में, अज्यूम कर लेते हैं तुम्हें पता ही नहीं है क्या है, नाम ही नहीं सुना हमने कभी। इन सर्कमस्टेंसेस में कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं जो एवरेज मार्क्स दिला दे बिना आपको कंटेंट एग्जैक्टली पता हुए, जो नॉर्मली इंग्लिश में कई बार बोल देते हो बीटिंग द बुश, बीटिंग अराउंड द बुश। इंडस्ट्री पे कोई क्वेश्चन आया, पहला क्लियर पॉइंट होना चाहिए कि जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसके अंदर इस चीज से रिलेटेड कोई पॉइंट बैठ रहा है क्या, पहला पॉइंट यहां से निकालो। फिर बताओ कि इस पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री, मान लो सोलार इंडस्ट्रीज है, कुछ कोई कॉन्सेप्ट है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पड़ेंगे, उसके लिए टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी, इसका इंपैक्ट इकोलॉजी पे क्या है,
ये एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं अगर कोई रॉ मटेरियल से कनेक्टेड है, सपोज कोई जरूरी नहीं हर चीज एग्रीकल्चर से कनेक्टेड हो, तुम्हें तीन पॉइंट यहां मिलेंगे। क्यों? कोई भी इंडस्ट्री में ये तीनों चीजें अनिवार्य है, कनेक्टेड होगी ही होगी। आगे बढ़े तो कैसे इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता? जस्ट बाय दीज अंटिल एंड अनलेस वी आल्सो इंश्योर द एरियाज और द रीजंस वेयर इंडस्ट्रीज ऑपरेट ऑल्सो नीड्स टू हैव स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर उस जगह का ठीक नहीं है, कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला है भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं जाती है? एक अकेला असम इतना रिसोर्सेज रखता है कि पांच गुजरात जेब में फिट हो जाए और नीचे गिरते रहेंगे। लिटरली पांच गुजरात फिट हो सकते हैं इधर। दिक्कत क्या है? लॉ ऑर्डर के बहुत इश्यूज रहे, कोई ना कोई कंसर्न हमेशा इरप्ट होता चला गया। और कोई भी आदमी जब इन्वेस्टमेंट लेने आता है, दे वुड इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयज, सिक्योरिटी ऑफ देयर प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी ऑफ देयर एस्पेक्ट्स। और भी 50 चीजें, स्किल्ड लेबर, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन, हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवेलेबिलिटीज, बहुत सारी चीजें। बट लॉ ऑर्डर ठीक होना जरूरी है, नहीं तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। या कर दोगे क्या? कल आपको पूछा जाएगा तो कर दोगे क्या? वुड यू इन्वेस्ट इट इन अ स्टेट विच इज लार्जली हैविंग, आज जाके अगर आपको बोले यूक्रेन में इन्वेस्ट कर दो, वुड यू डू इट? आई एम सर्टन यू विल नॉट डू इट। क्यों? क्या पता कब क्या भरोसा क्या हो जाए, नोबडी इज गोइंग टू गो देयर। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर यहां पे है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे लेट्स अज्यूम कोई क्वेश्चन आए, तो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, काफी टॉपिक है इधर देखेंगे। इन सब को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्ट मत करना। इस टॉपिक के अंदर एटलीस्ट दो पॉइंट, एक इधर से एक इधर से, कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर रिसोर्स मोबिलाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। बहुत सारे जगहों के रिसोर्सेज आप मोबिलाइज नहीं कर पाते हो क्योंकि वहां पे लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज आ जाते हैं, कंसर्न्स आ जाते हैं। एंड बहुत बार शायद रिसोर्स मोबिलाइजेशन करते करते आप लॉ एंड ऑर्डर के कंसर्न स्टार्ट कर दो, जैसे नियामगिरी हिल्स, ट्राइबल प्रोटेस्ट बहुत हुई है अलग अलग जगह, जहां पे रिसोर्सेज इस लेवल पे एक्सप्लॉइट कर लिए गए कि वो फाइनली जाके डेवलपमेंट ला रहे हैं नहीं, ये दूसरी बात है। सिक्योरिटी कंसर्न्स डेफिनेटली ले आए वहां पे। इज द टॉपिक कनेक्शंस ऑफ ऑल दीज थ्री क्लियर टू यू? कि तुम्हारा आंसर आज तुम्हारे पास है, प्रोवाइडेड तुम्हें ये तीन खांचे याद रहे, क्योंकि चार पॉइंट तो इधर सिलेबस से ही निकाल दिए जाएंगे। सर ऐसा आंसर मार्क्स लाएगा क्या? यस, एवरेज मार्क्स तक तो पहुंचा देगा तुम्हें। एवरेज से ऊपर होने के लिए तुम्हें प्रिसाइजली पता होना चाहिए उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, टॉपिक क्या है, फैक्ट क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, कोई बंदा हैंड रेस करना चाहेगा? हाँ, किसी का अनम्यूट था ना शायद। एग्जाम्पल से प्रूव करता हूँ कि फैक्ट की इम्पोर्टेंस या फिर क्या बोलते हैं चीजों की इम्पोर्टेंस क्या है। Who is this? नेहा पाटिल सर। नेहा पाटिल, मुझे एक बात बताओ, ये इंडिया के अंदर करप्शन कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? ना कम ना ज्यादा लगता है। ये डिप्लोमेसी आगे जाके बहुत डेंजरस होने वाली है, बहुत डेंजरस होने वाली है। मतलब कोई थॉट ही नहीं है कम हुआ है ना ज्यादा हुआ है, ऐसे थोड़ी है कि सदियों से सेम रेट पे चल रहा है क्या करप्शन? अभी बाहर आ रहा है बहुत ज्यादा, सो मीडिया वगैरह की वजह से। मीडिया के जगह से तो बाहर ही नहीं आ रहा है, कौन सी दुनिया में होने? सीएजी की रिपोर्ट पढ़ी क्या? नो सर। फिर कैसे मीडिया के सामने आया? सीएजी ने बोला कि प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट इज लार्जली, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वहां पे चार बड़ी बड़ी खामियां मिली। अयोध्या लैंड स्कैम दिखाई दे रहा है, एक कौन सा एक स्कीम था उसके अंदर प्रॉब्लम है, द्वारका एक्सप्रेस वे में प्रॉब्लम है। मीडिया ने तो बात भी नहीं बोली इसके बारे में, लाखों करोड़ के स्कैम सीएजी बोल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसी ने बात तक नहीं की, गायब हो गई रिपोर्ट। ओके, तो कौन सी मीडिया की बात कर रहे हो आप? यही यूपीए के टाइम में जब सीएजी की रिपोर्ट आती थी तो मीडिया बवाल मचा देती थी, अरे 2G स्कैम, बेचारा कोई स्कैम भी नहीं था उसको स्कैम बना दिया। लिटरली सुप्रीम कोर्ट ने बोला नोशनल लॉस था, स्कैम नहीं था। कुछ लोग पनिश हुए फॉर द टेंडर वाला पार्ट, सीवीसी के वायलेशंस के कारण। व्हाट हैपेंस? मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप बताओ कम हुआ है ज्यादा हुआ है?
ज्यादा हुआ है आपके कहने से लगता है। अरे नहीं नहीं भाई, मैं कौन हूँ? प्रॉब्लम क्या है? स्टैंड लो, फैक्ट कोट करो। मैंने क्या बताया? मैंने बोला क्या ज्यादा हुआ है? नो सर। आप समझ गए ज्यादा बोल रहे हैं सर? क्यों? मैंने सिर्फ फैक्ट दिया आपको, मैंने ओपिनियन लिया नहीं। यस सर। पेपर में ओपिनियन मैटर नहीं करता है, पेपर में मैटर करता है ब्लडी फैक्ट्स। तुमने फैक्ट दे दिया तो एग्जामिनर समझ गया तुम कहानी क्या लिख रहे हो। वहीं पे अगर मैं उल्टा तरीके से बताऊं तो यार आज के टाइम में करप्शन कम हुआ है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के कारण कहीं ना कहीं स्कैम करने की कैपेसिटीज कम हो गई है, लॉ स्ट्रिंजेंट हो गए हैं, जुडिशरी एक्टिव हो चुकी है, पीपल कॉन्शियस हो चुके हैं, तो करप्शन करना उतना आसान नहीं रहा। आरटीआई जैसे एक्ट चल रहे हैं, आरटीआई के बेसिस के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दोनों तरक्के से मैंने क्या किया? सिर्फ फैक्ट डाले भाई कि सर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हैज रिड्यूस्ड एंड मेड द सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल, एंड इन द कंटेंपरेरी टाइम वी ऑफन सी दैट दिस ट्रांसपेरेंसी हैव रिड्यूस्ड द नोशंस ऑफ करप्शंस और एटलीस्ट द लेवल्स ऑफ करप्शंस प्रेजेंट इन द सोसाइटी, ऑल्दो द करप्शंस मे नॉट हैव बीन वाइप्ड आउट फ्रॉम द सोसाइटी बट इट्स डेप्थ हैज सर्टेनली बीन नैरोड डाउन। एग्जामिनर ना पागल हो जाना चाहिए, ये साला लिखा है पेपर। कोई ओपिनियन बिना फैक्ट के नहीं दिया जाता है। और यहां पे एवरेज से ज्यादा आंसर लेना है तो तुम्हारे पास स्पेसिफिक टॉपिक के फैक्ट होने चाहिए। साहब ये फैक्ट कहां से आएंगे? राइट नेहा, इशू आ रहा है सर? ये फैक्ट किस किस चीज को? इसलिए बोलता हूं न्यूज़पेपर पढ़ो। चलो कोई बात नहीं है, मान लेते हैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हो तुम, और आसान कर देते हैं तुम्हारा सिलेबस। अब आते हैं स्पेसिफिक टॉपिक में। इंडिया में एग्रीकल्चर हमेशा बड़ा स्ट्रॉन्ग रहा, एंड बिलीव मी प्रीलिम्स में भी एग्रीकल्चर के ऊपर क्वेश्चंस आने लगे आज तक। अर्लियर ऐसा कोई टॉपिक प्रीलिम्स में नहीं आता था दोस्त। मेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन्ड है, दो दो पैराग्राफ डेडिकेटेडली, नियर अबाउट दो पैराग्राफ दिए गए हैं इस पूरे के पूरे सिलेबस को। एग्रीकल्चर इंडिया में हमेशा एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा, जहां पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं मेजॉरिटी ऑफ द इनफॉर्मल लेबर एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है, और जीडीपी में शायद इसकी कंट्रीब्यूशन दिन ब दिन कम होती चली गई, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत हद तक एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। दूसरी चीज, ये इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट भी अब एग्रीकल्चर के अंदर आने लगा, जिसके अंदर बोलते हैं अलाइड ऑक्यूपेशंस इन एग्रीकल्चर। लाइवस्टॉक एक इंडस्ट्री लेवल बन चुका है आज। बी कीपिंग, हनी बी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे एक सनराइज सेक्टर्स हैं इंडिया के। ये इंडस्ट्रीज आर एक्चुअली ऑल्सो गेटिंग इन टू एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट था हमारे एम्प्लॉयमेंट के लिए। और इस एग्रीकल्चर का ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्या रिलेशनशिप है? कि इंडिया का ग्रोथ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक रूरल एरियाज का ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि कंजप्शन डिराइवन ग्रोथ है इंडिया का, चाइना का प्रोडक्शन डिराइवन ग्रोथ है। इंडिया में जितना कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा ग्रोथ होता है। आपको कंज्यूम करना पड़ता है इकोनॉमी में, तभी डिमांड जनरेट होती है चीजों की। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट रूरल इंडिया के अंदर तब पॉसिबल होगा जब ये भाई साहब डेवलप करेंगे। अब अगर ये डेवलप करेंगे, ये ग्रोथ होगा रूरल इंडिया का, ओवरऑल इंडिया के पैटर्न्स के अंदर एक विजिबल चेंज, ड्रेस्टिक चेंज मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू द डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। तीनों जगह से एग्रीकल्चर बड़ा कारगर है। और हम देखते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में है वो दिन ब दिन गिरता चले जा रहा है, या ज्यादा से ज्यादा हिडन एम्प्लॉयमेंट है। एक आदमी चाहिए, वहां पे तीन आदमी काम कर रहा है, वो जरूरत नहीं है उन दो की। धीरे धीरे हम देख रहे हैं मैकेनाइजेशन हो रही है इसके अंदर। तो अब यूपीएससी ने आपसे पूछा कि भाई साहब इस एग्रीकल्चर में हम नहीं चाहते कि आप पीएचडी करो, कुछ टॉपिक्स है
जिनकी आपको आवश्यकता है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि कल जाके आप डीसी बनोगे तो शायद आपको ये चीजें काम आएगी। क्या क्या पढ़ना है फिर सर एग्रीकल्चर में? क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, टॉपिक का तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है जीएस पेपर वन ज्योग्राफी से। किसी ने जीएस पेपर वन ज्योग्राफी सलीके से पढ़ी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल दोस थिंग्स, ये पाला पार्ट ऑलरेडी कवर करके बैठे हो तुम, एज फार एज कौन से क्रॉप्स इंडिया में कहां उगते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या खपत है, क्या वेस्टेज है, ऑल दोस थिंग्स। क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, खारिफ, रेबी, ज़ियाद या अलग अलग चीजें कौन सी किधर उगती है, क्यों उगती है, पैटर्न में चेंज क्या आया। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं क्वेश्चन से के एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि किस तरीके से शुगर केन कल्टीवेशन नॉर्थ से साउथ को ट्रांसफर हो रही है। ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी मेंस में, क्वेश्चन डायरेक्टली कहां से है, चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न से। अगर किसी बंदे ने शिद्दत से सिलेबस पढ़ लिया होता तो उसे सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो गया क्रॉपिंग पैटर्न से आया है। स्टार्ट इंट्रोडक्शन कहां से होती, क्रॉपिंग पैटर्न से। साला तुम लोग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं ये वर्ड बोलते रहता हूं क्योंकि मेरे सब छोटे भाई बहन हो यहां पे, कि हम लोग क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं भाई सिलेबस से। और सबकी प्रॉब्लम क्या है सर, इंट्रोडक्शन नहीं आ रहा है ना, क्या करूं, इतना पढ़ लिया मैंने, ज्ञानी बन गया मैं, इंट्रोडक्शन ना आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिलेबस आइडेंटिफाई करो पहले, जिस टॉपिक से पूछा है उधर से तुमने स्टार्ट कर दिया ना, एग्जामिनर एक मार्क दे देगा हंसते हंसते। क्यों? वो बंदा समझ गया तुमने पकड़ लिया कहां से पूछा है मैंने ये क्वेश्चन। क्रॉपिंग पैटर्न्स के सिस्टम्स पढ़ो तुम। इधर क्या दिया इसने, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री की देखनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कॉमा लगाया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम्स। साला ये क्या मजाक हो रही है, क्रॉपिंग पैटर्न हमने पढ़ लिया, अब ये क्रॉपिंग पैटर्न कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हर चीज लिख के रखनी है दोस्त, काम बहुत आएगी, मुझे ब्लेसिंग्स दोगे थोड़े दिन के बाद तुम। ये क्रॉपिंग पैटर्न, भाई शुगर केन मैं कहां उगाऊं इंडिया में, अच्छा शुगर केन का रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा इतना 27 डिग्री कुछ टेम्परेचर होना चाहिए, ये इतना कुछ वाटर कंजर्विंग क्रॉप है, इतना कंज्यूम करेगा ये, अच्छा अच्छा कहां इंडिया में पानी, पहले मेरे पास सिस्टम नहीं था, तो नॉर्थ इंडिया में नेचुरल कंडीशंस थे क्रॉपिंग को, शुगर केन को कल्टीवेट करने की। आज मेरे पास टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के कारण मैंने अलग अलग इरिगेशन डेवलप्स की, मतलब इरिगेशन करने की क्षमता है, बारिश आया नहीं आया, इंद्र दे प्रसन्न हो ना हो, मेरे पास पानी रहेगा। केनाल्स बनाए, एचईपीज बनाए, माइक्रो इरिगेशन, मैक्रो इरिगेशन, खत्म ही नहीं हो रही है कहानी। और ये इरिगेशन अगर मैंने अवेलेबल करा दी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर दो तरीके से होता है, एक होता है नेचुरल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वो सारी चीजें पड़ी है जियोग्राफी में, और एक होता आर्टिफिशियल मैनमेड। आर्टिफिशियल के अंदर इरिगेशन दो मेजर पैटर्न्स में होती है, माइक्रो इरिगेशन, मैक्रो इरिगेशन। अब समझ में आया सेकंड पार्ट सिलेबस में क्या है, टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, ये पढ़ना है। और सर का चीज मजाक लग रहा होगा आज, लेकिन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पैटर्न उठाओ, उस बंदे ने माइक्रो और मैक्रो को छोड़ के आज तक कोई सवाल ही नहीं पूछा इरिगेशन में, हर वक्त पूछा यही पूछा, तुम क्यों भटक रहे हो।
ये भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ लूंगा, ये भी पढ़ लूंगा। भाई जो रिक्वायर्ड है वो पढ़ लो, उसे याद रख लो, उसे रिकॉल कर लो, उसे लिख लो, यू आर सॉर्टेड आउट। यू डोंट हैव टू डू पीएचडी इन इरिगेशन, यू हैव टू जस्ट स्टडी द पैटर्न्स एंड सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन, दैट्स इट। माइक्रो इरिगेशन में कई बार आप देखते हो वो क्या बोलते हैं, एक तो आती है जहां पे पौधों के अंदर ही वो पानी टप 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 एक एक बूंद, मैं उसके थोड़े से नाम भूल रहा हूँ फिलहाल। एक आती है वो जो आपने रूरल एरिया में देखा होगा खेतों में, एक शॉवर टाइप का सा या फिर एक इस तरीके से चलता है, स्प्रिंकल इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। ये था ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। लेकिन नेहा एक बार अनम्यूट हो जाओ, होश उड़ा देता हूं कि तुम्हें हर चीज कैसे क्लियर कट पता हो जाएगी। नेहा yes. यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको? ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन। इनमें क्या पढ़ना है आपको? शायद रूरल एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है। एक दो तीन चार पांच, समझ में आया? ओके okay. इनके अंदर तुम्हें पांचों चीजें पढ़ लेनी है। एग्रीकल्चर में किसकी जगह कौन कौन से क्रॉप्स में यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज इसकी अगर डेवलप हुई है तो क्या प्रोसेस से हुई है, किधर है, क्या नहीं है। अगर हर चीज में कनेक्टेड हो जरूरी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कैसे डेवलप किया जा सकता है, क्या कॉस्ट है, क्या नहीं है, क्या ये क्या वो क्या ये। टेक्नोलॉजी कौन सी इनके अंदर यूज होती है, कैसे वो ऑपरेट करती है, कैसे वो सिस्टम वर्क करता है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या आफ्टर सर्विस एस्पेक्ट है, और इन्वायरमेंट में इसकी इंपैक्ट क्या है। हो गया ना सीधा सीधा सिलेबस, हुआ क्या? तुम्हें हर चीज नहीं पढ़नी है इसकी, वो पांच एस्पेक्ट पढ़ लेने हैं हर चीज के जो सिलेबस में आए, क्योंकि यही तो ब्रॉड डिवीजन है, पैटर्न है सिलेबस का। दिस हैज टू बी स्टडीड। एवरीबॉडी इज क्लियर? तो साहब हमने क्रॉपिंग पैटर्न भी देखा, क्रॉपिंग पैटर्न डिपेंड करता है इरिगेशन में, हमने इरिगेशन की भी अच्छी सी खोज कर ली, अच्छे से समझ लिया, अच्छा ये ऐसे करना है। इसके बाद आता है एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन। ये क्रॉपिंग पैटर्न से निकलता है। अगर क्रॉपिंग पैटर्न को देखेंगे तो अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न्स मिलेंगे। इस क्रॉपिंग पैटर्न के बेसिस पे होता है हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राइट नेहा? कितने क्रॉप्स बने, कितना अनाज बना, कितना कुछ एस्पेक्ट बना, ठीक। अब इस प्रोडक्शन के अंदर कुछ प्रोडक्शन होता है जो कंज्यूम हो जाता है। मान लो 100 किलो मैंने प्रोडक्शन किया, 100 किलो में 70 किलो कंज्यूम हो गया मान लेते हैं। कुछ होता है जो रिजर्व में रह जाता है। नेहा एक बार म्यूट कर लेना। अब जो चीज रिजर्व में रहेगी, ये 30 किलो बच गया है मेरे पास, इसको करना पड़ेगा क्या? स्टोर। अब ध्यान से समझना, एक डीपर कनेक्शन दे रहा हूं इस लेक्चर को, चाहे 5 बार लिखो, नोट्स बना के रखोगे इस लेक्चर के तुम। पहले हमने पढ़ा क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न डिटरमाइंड था वाटर अवेलेबिलिटी। सिर्फ वाटर नहीं, क्लाइमेट भी होती है, और भी 50 फैक्टर है, सॉइल भी होती है, चीजें भी होती है, अच्छा बहुत सारी है। वाटर अवेलेबिलिटी जब नेचुरली थी तो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, एक लिमिटेड सीमा में मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन जब वाटर अवेलेबिलिटी आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा ली गई तो मैं ज्यादा प्रोड्यूस करने लगा, और कहीं ना कहीं चीजें अब स्टोर करने की नौबत आ गई। अब ध्यान से सुनना, आई जस्ट वॉन्ट योर ओपिनियन ऑन इट। माइक्रो इरिगेशन या मैक्रो इरिगेशन, इधर आता है शीट इरिगेशन। ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, देख लेना एक बार। शीट इरिगेशन, पूरा का पूरा फील्ड में पानी छोड़ दिया जाता है, राइस में नॉर्मली फॉलो होता है। इस इरिगेशन के पॉजिटिव पॉइंट्स है तुम्हारे पास। हाँ साहब, इसने प्रोडक्शन बढ़ाया, फूड सिक्योरिटी बढ़ाई, चीजें बढ़ाई, लेकिन क्या एक चैलेंज है, इश्यू है क्या? इश्यू ये आई कि इश्यू ऑफ एक्सेस होने लगा। अब इस इरिगेशन से
हमने देखा रिजर्व में प्रोडक्शन आने लगा भाई, तो अब अगर इरिगेशन से पैटर्न्स चेंज हुए, इरिगेशन से स्टोरेज आई, प्रोडक्शन एक्सेस आया, तो इस एक्सेस प्रोडक्शन को मैनेज तो करना पड़ेगा, गली में तो गिरा नहीं देंगे। इसके लिए यूपीएससी ने थर्ड पॉइंट डाला तुम्हारा, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड एंड कंस्ट्रेंट्स। मतलब इधर आया स्टोरेज, और इस स्टोरेज से आता है तुम्हारा थर्ड पार्ट ऑफ सिलेबस, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, बेचना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। ये तीनों इश्यूज पूछे थर्ड टॉपिक में, हाउ वुड यू डू दैट। तो आपको वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे, सारी चीजें करनी पड़ेगी। टॉपिक फिर आके कहां बैठ गया, ये वाला, समझ में आया कि ये डेवलप करना जरूरी है अगर स्टोरेज वाला एस्पेक्ट ठीक करना है। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें करनी पड़ेगी तुम्हें अगर ये थर्ड टॉपिक कवर करना है। एवरीबॉडी क्लियर? जल्दी से यार, थोड़ा जल्दी करो, नहीं तो फिर मैं डेप्थ कम करने लगूंगा, फास्ट करना पड़ेगा सिलेबस मुझे। ओके सर, आपने स्टोरेज भी मैनेज कर लिया, कैसे भी करके ये सब डेवलप कराया, चाहे वो ई नैम हो, चाहे वो कुछ और चीज हो, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए तुम्हें चाहिएगा क्रॉपिंग पैटर्न बदलने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए। ये तीन पार्ट थे सिलेबस के, 1, 2, 3। ये तीनों चीजें करने के लिए तुम्हें चाहिए टेक्नोलॉजी। टॉपिक फिर आके कहां बैठ गया, टेक्नोलॉजी। इसके लिए यूपीएससी ने सीधे सीधे तुम्हें बोला, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, इलेक्ट्रॉनिक ऐसी क्या क्या टेक्नोलॉजियां हैं जो फार्मर को एड कर सकती है। भाई किस चीज की एड की बात कर रहे हैं यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं। व्हाट एड? Aid in cropping patterns, irrigation, transport, marketing, storage. क्या किया, कोई नया आंसर लिखा क्या मैंने? Did I write bloody new answer here? Or I just used the syllabus? क्योंकि कल ऐसे questions आएंगे जहां पे तुम्हें हवा भी नहीं लगेगी कि कौन सी technology, क्या लिखूं मैं? अरे यार, ई technology, corruption, transparency. Yes. ई technology farmers को कहां कहां पे aid करेगी? Production में add करेगी, सेलिंग और मार्केटिंग में ऐड करेगी, और प्रिजर्वेशन में ऐड करेगी। ये तीनों एस्पेक्ट अगर तुमने थर्ड लास्ट पॉइंट के जान लिए, यू आर ऑल सेट विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर। समझ में आया? दूसरा पार्ट सिलेबस का क्लियर विद रिस्पेक्ट टू वन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, दूसरे में आएंगे। चलिए साहब, यहां तक तो ठीक है। लेकिन इस एग्रीकल्चर के अंदर हमारे फार्मर्स की सिचुएशंस बड़ी डिफिकल्ट है। कैसे? एक तो इस एग्रीकल्चर से शिफ्ट हो रहा है इंडिया टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज,
दूसरा, इस शिफ्ट के कारण आ रहा है लेस या लो फाइनेंस, फाइनेंस कम हो गया। अब फाइनेंस कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट कम हो गया, कौन सा इन्वेस्टमेंट सर, किस कैसी बातें कर रहे हो, कौन सा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इन्वेस्टमेंट इन स्टोरेज, ये कम होने लगा। सरकार अब मेजर फाइनेंस नहीं रख रही है, पहले सारा एग्रीकल्चर की तरफ था, आज आधा पैसा इंडस्ट्रीज और सर्विस की तरफ भी डाल रही है। अब एग्रीकल्चर के अंदर इन सब कारणों से आया कैश या इन्वेस्टमेंट क्रंच, और इसके कारण कहीं ना कहीं शायद अब अगर पैसा नहीं आएगा तो पॉसिबल है कि कहीं पीपल वुड नॉट लार्जली एंटरटेन फार्मिंग। एमएस स्वामीनाथन कमीशन क्या बोलता है 2007 का, 50% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया रेडी टू लीव फार्मिंग इफ दे हैव वायबल अल्टरनेटिव्स, छोड़ देंगे वो। तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं है, देखो हम फाइनेंस कम कर रहे हैं लेकिन अब हम तुम्हें देंगे सब्सिडीज, कि हम सब्सिडीज देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो, वील गिव यू दी सब्सिडीज। अब सब्सिडीज सिर्फ फार्मर्स को नहीं दी गई, ये सब्सिडीज कॉमन मैन को भी दी जाने लगी। तो सरकार ने एक तरफ फार्मर या किसानों को सब्सिडी दी कि आप प्रोड्यूस करो, आपका कॉस्ट कम होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ लोगों को दी सब्सिडीज कि चलो आप ये पीडीएस से खरीदो, क्योंकि आप खरीदोगे हम एमएसपी पे ज्यादा लेंगे फार्मर से, फार्मर्स की भी सेलिंग हो जाएगी, तुम्हारा भी पेट भर जाएगा। तो थर्ड टॉपिक आया आपके सिलेबस में सब्सिडीज, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। अब ये फार्म सब्सिडीज कितनी प्रकार की है, डीजल के रूप, चलो अबॉलिश कर दी गई, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, डीजल के रूप में, वाटर के रूप में, पैनल सोलर पैनल्स के रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, ट्रैक्टर्स के रूप में, फंडिंग के रूप में, लोन्स के रूप में, बहुत सारी चीजें हैं जो इधर आती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इस साल न्यूज में है, 7% क्वेश्चन आ रहा है 2023 के मेंस में, सॉरी 24 के मेंस में। एमएसपी क्या है, क्योंकि अभी फार्मर्स के क्राइसिस में ये वापस न्यूज में रहा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो सब्सिडी के अंदर यूपीएससी ने इतना स्पेसिफिकली तुम्हें बोल दिया, पीडीएस पढ़ लो यार, तुम एमएसपी पढ़ लो, फालतू की सब्सिडियां पढ़नी नहीं, और बाकी को सिर्फ ग्लैंस मार लो, एमएसपी और पीडीएस परफेक्शन पे आना चाहिए। इस एमएसपी और पीडीएस के अंदर भी तुम्हें पीडीएस को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी ने ब्रेक करके दिया है कि पीडीएस में क्या पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्यों आया, टारगेट पीडीएस क्या है, यूनिवर्सल पीडीएस क्या है, फंक्शनिंग कैसा काम कर रहा है, लिमिटेशंस क्या, इसके अंदर दिक्कत आई क्या, रिकमेंडेशंस है, कोई कमिटीज है, कोई इश्यूज है, कोई सिविल सोसाइटीज की रिकमेंडेशंस है, रिवैम्पिंग रिफॉर्म कैसे करना है, ये सारी चीजें तुम्हें पीडीएस में पढ़नी है। रिमेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएस का एस्पेक्ट है। तो इस टॉपिक के अंदर पहले तुम्हें फार्म सब्सिडीज पूछा, फिर तुम्हें इसके अंदर एमएसपी खुद बता दिया कि ये पढ़नी है, और फिर बताया पीडीएस। रीड ऑल द फार्म सब्सिडीज, नो इश्यूज, बट होलिस्टिकली प्रिपेयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। व्हाई? मेरे पेपर के एनालिसिस से एक चीज क्लियर है, एक साल एक्सेप्शन हो सकता है कोई, क्योंकि एक्सेप्शन हमेशा रहेंगे यूपीएससी में, जो डायरेक्टली मेंशन्ड है ना सिलेबस में वो ही पूछा गया, एमएसपी। बाकी फार्म सब्सिडीज पे ज्यादा डिस्कशन ही नहीं किया पेपर में। अब बच्चा क्या करता है, सारी फार्म सब्सिडीज की लिस्ट बनाना चालू करता है, वो एमएसपी को भूल जाता है, अरे यार ये तो ठीक है,
That is the only place where UPSC has always been hitting you and hitting you hard. PDS की पूरी डिटेल आनी चाहिए तुम्हारे पास. अब ये बहुत रिफॉर्म हो चुका है सिस्टम्स विद द राइज ऑफ आधार, विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द राइज ऑफ यू नो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मशीन्स एंड एक्सेट्रा इश्यूज. इस सब्सिडीज को पढ़ने के बाद में ये जो एक चीज हमने बनाई थी स्टोरेज, इस स्टोरेज के अंदर हमें देखा कि यार ये बफर स्टॉक को मेंटेन करने में चैलेंजेस आ रहे हैं. क्या चैलेंजेस है? ये दे दिया इधर बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी कि ये बफर स्टॉक के अंदर देखो वेयर हाउसेस के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं, कैसे इस बफर स्टॉक को मेंटेन करना है, 35% फूड वेस्टेज जो हो रहा है उसे कैसे सेटल डाउन करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो यहां तक हमने देखा एग्रीकल्चर एंड कंसर्न्स रिलेटेड विद एग्रीकल्चर. अब अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन पूछूं What are the issues which Indian agriculture faces? अगर सिर्फ सिलेबस का ये पॉइंट याद रह गया तुम्हारे पूरे 250 वर्ड यहीं से निकल जाएंगे. फर्स्ट कंसर्न सब्सिडी का, सेकेंड कंसर्न एमएसपी का, थर्ड कंसर्न बफर स्टॉक का, पीडीएस क्योंकि कॉमन पैन के लिए सर उसके अंदर नहीं डालेंगे, बफर स्टॉक का, फोर्थ कंसर्न टेक्नोलॉजी का, फिफ्थ कंसर्न एनिमल रेयरिंग को हम शायद उस लेवल पे सीरियसली नहीं ले रहे हैं. पांच सॉल्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर के सिलेबस में पैदा किए हुए हैं. व्हाई द हेल आर वी मूविंग अराउंड सो मेनी थिंग्स? राइट अदर पॉइंट्स फर्स्ट, राइट ऑफ द सिलेबस. क्यों सिलेबस को लिखना है? क्योंकि सिलेबस के अंदर जो कंटेंट है आप उनको बहुत डेप्थ में पढ़ के जाओगे, और जब वो डेप्थ को पढ़ के गए हो तो उसे यूज करो ना यार. क्यों तुम सिर्फ किताबों से निकालना चाहते हो आंसर? द आंसर इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ यू हियर. और कनेक्ट करूं तो बढ़ता चले जाएगा आंसर. मैंने सिर्फ इस पैराग्राफ से आंसर निकालना है. व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर इन द रीसेंट टाइम? दिस दीज आर द कंसर्न्स. तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना वो इस एग्रीकल्चर के इश्यूज के बारे में डिस्कस कर रहा है. पहले पैराग्राफ में भी इश्यूज मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एवरीबॉडी इज क्लियर के अब एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है? कुछ डिटेल्ड एस्पेक्ट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, क्रॉपिंग पैटर्न्स, एंड उसके बाद पढ़ना है तुम्हें इसके अंदर इश्यूज. इश्यूज में क्या पढ़ा सर हमने? इश्यूज में पीडीएस पढ़ा, इश्यूज में बफर स्टॉक पढ़ा, इश्यूज के अंदर सब्सिडीज पढ़ी, इश्यूज के अंदर टेक्नोलॉजी पढ़ी, इश्यूज के अंदर हमने लास्ट में एनिमल रेयरिंग. अब एनिमल रेयरिंग इश्यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं रहा, लाइफ स्टॉक फार्मिंग के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहा हमारा. ये कंसर्न तुम्हें यूज करना है. इधर पूरा एग्रीकल्चर का सिलेबस यहाँ पे कवर्ड है. एवरीबडी क्लियर? एग्रीकल्चर होने के बाद हमने सिलेबस में देखा इंडस्ट्रीज भी आज इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंडस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है भाई? क्या सिस्टम है इधर? विद द चेंज इन द नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी विच इन द चेंज इन द नेचर ऑफ पैटर्न ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहां पे लोग में ज्यादा शिक्षा आने लगी, टेक्नोलॉजी आने लगी, स्किल्स आने लगी, तो कहीं ना कहीं हमने इंडस्ट्री की तरफ मुंह मोड़ा. इंडस्ट्रीज को डेवलप करना एक एग्रेसिव पेस के अंदर हमने स्टार्ट किया. अब इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना इंडिया जैसी सोसाइटी में जहां पे एग्रीकल्चर लोगों के नसों में है, जेनेटिक्स, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सोसाइटी रही. इंडिया एक कृषि प्रधान देश है. एनसीईआरटी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जय जवान जय किसान, ये हमेशा सुनते आ रहे हैं. अब इंडस्ट्रीज की तरफ रुख मोड़ना एक चैलेंज था हमारे लिए. कैसे? पैसों के मामले में भी, टेक्नोलॉजी के मामले में भी, स्किल्स के मामले में भी, और कहीं ना कहीं रिसोर्सेस के मामले में भी. हर तरीके से हमारे पास चैलेंजेस थे, बट स्टिल वी वॉन्टेड लेट्स स्टार्ट इट.
शायद 47 में फर्स्ट पॉलिसी भी जो फाइव ईयर प्लान देखो, व्हाट अ प्रैग्मेटिक लीडर्स ऑफ दोस टाइम्स, दे हैड सच अ ब्रिलियंट प्लान कि दे वांटेड टू लार्जली बिल्ड अप लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एट अ प्रैग्मेटिक पेस व्हिच दे इवन डिड एंड दे सक्सेसफुली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स इट एज वेल. इन इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत बदलाव आए. कैसे? पहले सिर्फ प्राइमरी इंडस्ट्रीज थी, रिसोर्सेज निकालती थी, यूज करती थी या बेच देती थी. फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आई. पंकज यू कैन लीव द क्लास, वुड गो एटलीस्ट 10:30 के आसपास तक. ठीक है, तो क्लास का टाइमिंग के हिसाब से क्लास चलेगा यार, बिकॉज 11 o'clock आई गॉट अनदर सेशन. सो आई अंडरस्टैंड आपकी ऑफिस होगी, तो यू कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर लेटर ऑन. और अगर आप चाहते हो थोड़ा फास्ट करूं तो फास्ट कर दूं. अगर इफ ऑल आर रेडी, मैं बहुत फास्ट से बढ़ाता हूं फिर सिलेबस, रादर देन कनेक्टिंग एवरी डॉट वी विल जस्ट डिस्कस द सिलेबस. वी कैन ऑल्सो डू दैट. ठीक है, थोड़ा फास्ट करके देखते हैं. एग्रीकल्चर के अंदर, पेपर थ्री के अंदर, एग्रीकल्चर के बाद में इंडस्ट्रीज वाले पार्ट में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज पैटर्न्स बदलता चला गया. और आपको यूपीएससी ने इधर पूछा कि फूड प्रोसेसिंग प्रिसिशन, देखो कितना प्रिसाइजली उसने पूछा है, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज. मतलब जो एक ट्रांजिशन हुआ पेपर में ना, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज, एक्चुअली यहां से टॉपिक पूछा उसने जिसमें एग्रीकल्चर भी है इंडस्ट्री भी है. कैसे? फूड प्रोसेसिंग के ऊपर पूछा उसने. सिलेबस को जिस दिन ध्यान से समझोगे तो लगेगा क्या गजब बनाया सिलेबस. फूड प्रोसेसिंग का सिलेबस इंडिया के यूपीएससी में मेंशन होना अपने आप में क्लियरली दिखाता है कि एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते एट द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज. रेदर एक राइट कॉम्बिनेशन एस्टेब्लिश करना है जहां पे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों हो. तो फर्स्ट पार्ट गोज टू फूड प्रोसेसिंग एंड लुक एट द फाइन डिटेल्स विच दे हैव आस्क्ड. क्या पढ़ना है इसमें? स्कोप, सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम कनेक्शंस, रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. मतलब पूरी की पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हर एक पहलू को तुम्हें पढ़ना है. यू डू नॉट हैव अ स्कोप टू लार्जली इग्नोर दिस टॉपिक. व्हाई? इतना प्रिसाइजली मेंशनड है ये, बाकी कोई इंडस्ट्री उस प्रिसाइज लेवल पे मेंशन नहीं है पूरे सिलेबस में. अलाइट इंडस्ट्रीज बोला जा सकता है. एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन है फूड प्रोसेसिंग. अब मुझे याद नहीं आ रहा है, गूगल में सर्च करके देखना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक थी, आज से 3-4-5 साल पहले की बात है. इनकी एक पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन थी जिसमें साला हर एक टॉपिक कवर था. ये फ्रीली डाउनलोडेबल है, मैंने इसका प्रिंट आउट निकाल के रखा है. सिर्फ उतना पढ़ के चले जाना फूड प्रोसेसिंग में, योर इंटायर फूड प्रोसेसिंग टॉपिक इज डन विद दैट स्मॉल पीपीटी ऑफ 40-50 पेजेस. और गवर्नमेंट यू नो स्पॉन्सर्ड या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट्स डॉक्यूमेंट है वो. तो इस टॉपिक को तुम्हें गूगल सर्च से यह देखना है कि कोई सरकारी ऐसा चीज है जिसके अंदर यह फूड प्रोसेसिंग की डिटेल्स दी गई है. डाउनलोड एंड ओनली स्टडी दैट, दैट्स इट. दूसरे टॉपिक मत पढ़ना, किताब, मटेरियल, ये वो, ये पढ़ लेना, बहुत सॉलिड हो जाएगा ये. इसके बाद पूछा लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुए, क्या रहा, सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है. इस टॉपिक के अंदर तुम्हें ज्यादा डेप्थ देनी पड़ेगी. क्यों? अनलाइक दिस सब टॉपिक्स मेंशन नहीं है. यहां पे जो लैंड रिफॉर्म्स आए उनकी इंपैक्ट, उनकी स्टडीज, और आज क्या लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए या नहीं, उनका भी एक ओपिनियन होना चाहिए. बट आई थिंक वेरी सिंपल टॉपिक जो तुम इकोनॉमिक्स की नॉर्मल जब बेसिक कर रहे होगे तब पढ़ोगे. इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी. अब पॉइंट एक स्टूडेंट को यह नहीं समझ में आता कई बार कि सर एक चीज बताइए हमें,
इंडस्ट्रीज के अंदर जब सिलेबस देखते हैं हम, तो पहले फूड प्रोसेसिंग तो समझ में आ गया सर, ये डायरेक्टली इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये लैंड रिफॉर्म्स नहीं समझ में आ रहा है। आपको नहीं लगता ये एग्रीकल्चर वाले में डालना चाहिए था? 100% एक पॉसिबिलिटी बहुत सही रहती वो, लेकिन ये लैंड रिफॉर्म्स इधर डालने के रीजन समझो शायद। ट्राई टू रीड आउट द माइंड ऑफ द सिलेबस फ्रेमर। लैंड रिफॉर्म्स जब आए तब जाके लैंड फ्री भी हुई, क्योंकि एक्सेस ऑफ लैंड ले लिया गया, जिसके पास नहीं था उसे दिया गया एट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन और अ प्राइस बिलो द मार्केट रेट। लैंड फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हुआ। इस लैंड फ्रेगमेंटेशन से एग्रीकल्चर नेगेटिवली इंपैक्ट होने लगा, लार्ज स्केल नहीं कर पा रहे थे फार्मिंग साहब, और उसके कारण यही लैंड डाइवर्ट होके चला गया इस इंडस्ट्रीज की तरफ। तो लैंड रिफॉर्म्स ने सिर्फ एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट नहीं रखी, लैंड रिफॉर्म्स शायद एक एक्सरसाइज थी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से भी कनेक्टेड रहा इनिशियल फेज में। एंड इवन टुडे द वेरी लैंड पूलिंग एंड अदर सिस्टम्स आर प्रोपगेटिंग फूड प्रोसेसिंग और फूड रिलेटेड और लार्ज इंडस्ट्रीज प्रेजेंट इन दोस फील्ड्स। लैंड रिफॉर्म्स पढ़ने के बाद इसने आपको बोला कि साहब आप ये भी चीज समझ लो कि एलपीजी पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज को इंडिया में समझ नहीं पाओगे जब तक तुम एलपीजी नहीं पढ़ोगे। रिबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्या इंपैक्ट रही इसकी इंडस्ट्रीज के ऊपर? चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी इससे क्या रही और इफेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे इसका क्या रहा? तो एलपीजी में तुम्हें दो पॉइंट पे स्ट्रेस करना है। इसकी इकोनॉमी में ओवरऑल इंपैक्ट क्या रही और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कारण क्या पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ इंडस्ट्रीज में बदले। क्यों? एलपीजी के बाद हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदलती चली गई। मैन्युफैक्चरिंग से अब हम सीधा सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ देख रहे थे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी देख रहे थे, ब्यूरोक्रेसी से नेटवर्क और टीम्स की तरफ देख रहे थे, प्राइवेटाइजेशन का कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा था। So all these things would have to be necessarily taken care. ये वाला पार्ट तुम्हें यहां पे पढ़ना है। आगे बढ़े तो आया इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बिना इसके न इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है न एग्रीकल्चर डेवलप हो सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूपीएससी ने तीन ब्रॉड टॉपिक्स आपको डाल दिए, सॉरी चार, एक दो तीन चार पांच, इस एक्सेक्ट्रा को मारो गोली। ये लिखा हुआ पेपर में एक्सेक्ट्रा। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितनी स्कीम्स इन पांच चीजों से है, कोई कमिटी या कमीशन की रिकमेंडेशन, कोई नई पॉलिसीज, कोई नए एस्पेक्ट्स, चाहे अयोध्या में एयरपोर्ट बना हो, चाहे कोई इस बुलेट ट्रेन की बात हो रही हो, चाहे कोई रोड या नेटवर्क ऐसा कुछ डायमंड टाइप के से हाईवेज बन रहे हो, या एनर्जी या पोर्ट से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया या बाहर हो, क्योंकि अभी दो दिन पहले के पेपर में आपने क्या देखा, कल के पेपर में आई थिंक चाबहार पोर्ट ईरान जो है अपने नेबरिंग कंट्री से इंडिया बोल रहा है कि साहब इसको यूज करो। सबसे पहले आदमी के दिमाग में आता है आईआर। आईआर भाई यार कुछ नहीं है वो। आईआर तो पेपर से ऐसे गायब हुआ है कि देयर इज हार्डली एनी आईआर लेफ्ट इन आईआर क्वेश्चंस। पोर्ट्स के अंदर डायरेक्टली कनेक्टेड है कि भैया इंडिया इज डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट इन विद इन द बाउंड्रीज बट बियॉन्ड देयर पॉलिटिकल फ्रंटियर्स। वो हर चीज जब नोट्स बनाओ तो तुम्हें टॉपिक क्लियर होना चाहिए, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूज करना है। हाँ आईआर में करना है, सिक्योरिटी में करना है या किसी और में करना है, करो, बट डोंट फॉरगेट द टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर सिलेबस। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ये प्योर थियोरिटिकल टॉपिक है। अलग अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है, अलग अलग थियोरीज है इसके ऊपर। रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रीन है यहाँ पे यूपीएससी में कि इस पे शायद ही एक बार कोई क्वेश्चन आया तो आया है, बट येट इसका मतलब ये नहीं आएगा नहीं। कोई भी इंस्टीट्यूशन की बुक, अगर आप कोई इकोनॉमिक्स की किताब नहीं पढ़ रहे हो तो कोई भी एक इंस्टीट्यूशन की मटेरियल में ये मॉडल्स थोड़े से देख लेना।
आए दिन न्यूज में रहता है पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंजीनियरिंग मॉडल है, ये मॉडल है, वो हाइब्रिड मॉडल है, ये सब है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जा रही है, इसके मॉडल्स क्या है। पीपीपी में भी अलग अलग टाइप के से पीपीपीज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। फोकस ऑन दोज इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, कुछ करंट मिले तो लिख के रख लो, नहीं तो उन मॉडल्स का एक बेसिक थियोरिटिकल आउटलुक आपको पता होना चाहिए। तो प्योर थियरी यस, करंट में कई बार न्यूज में रहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स। जैसे ही तुम इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर आते हो तो तुम्हारे पास आता है टेक्नोलॉजी 920, ओके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी वाला पार्ट मेरे टाइम के अंदर, मेरे टाइम में जीएस पेपर दो ही हुआ करते, इनफैक्ट रीसेंट टाइम तक हमने देखा ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल पार्ट है यूपीएससी का। इसको एक तरीके से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, अब वो भी 70% होगा, 100% नहीं होगा। इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी, या फिर 2, 3, 4, 5, इन पांच चीजों से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी अगर है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, तुरंत नोट्स बनाओ, ऊपर हेडिंग लिख दो टेक्नोलॉजी। लेकिन फिर भी इधर कुछ डिटेल दी है सिविल सर्विसेज ने, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। ये एवरीडे लाइफ आते ही ये टॉपिक बड़ा घातक हो गया और सिंपल भी हो गया, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज है एवरीडे लाइफ में। अब कई बार हो सकता है एलेक्सा जैसी टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज है, मोबाइल फोन जैसी टेक्नोलॉजी है, 5G जो आया उसकी एक टेक्नोलॉजी है, अलग अलग टाइप के एस्पेक्ट है जो हम डे टू डे लाइफ में ये टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। इधर तुम्हें इनका प्रोसेस भी पता होना चाहिए फाइन डिटेल्स में, और इनकी इम्पैक्ट भी पता होना चाहिए कि भाई ये सब टेक्नोलॉजी आने से आज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे बोलते हैं, बहुत न्यूज में रहता है। स्मार्ट बल्ब, एलेक्सा प्लीज ऑन द फैन, एसी, ये स्मार्ट हो रही है चीजें। एलईडी और एलसीडी तक का क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। मतलब एक चीज क्लियर है, इस टॉपिक से जो वॉशिंग मशीन के वर्किंग मैकेनिज्म पूछा है यूपीएससी ने, एवरीडे लाइफ वाली टेक्नोलॉजी तुम्हें बहुत सिंपल तरीके से पता होनी चाहिए कि भाई इसको यूज कैसे किया जाता है और कैसे चल रहा है। अब वो एवरीडे में कौन कौन सी, इसकी कोई लिस्ट नहीं है, एटलीस्ट इंडिकेशन है कि जो करंट में कुछ एवरीडे यूज की टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे चैट जीपीटी जो है डे टू डे लाइफ के अंदर होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसके और क्या 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 यूज हो सकते हैं, गवर्नेंस में, इकोलॉजी में, एग्रीकल्चर में, या कोई और ऐसी चीजों के अंदर। इंडिया के अंदर फार्मर्स, 42% ऑफ द फार्मर्स, 42 या 84, यार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, काफी मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डिपेंड करते हैं पीयर ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन के ऊपर, भाई साहब आज बारिश आएगी क्या, हाँ हाँ ये लग तो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, उनके पास राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। चैट जीपीटी किस तरीके से उन्हें बहुत अच्छी से इंफॉर्मेशन दे सकती है। यू नॉट बिलीव, जस्ट 2 days बिफोर आई वॉज जस्ट हैविंग अ डिस्कशन विद वन ऑफ माई यू नो फ्रेंड, उन्होंने बताया कि देखो उनके जो एक्चुअली बड़े पापा हैं, वो थोड़े से बचपन के अंदर कुछ एक्सीडेंट के कारण यू नो फिजिकली पैरालाइज्ड हो चुके थे, तो उन्होंने शादी और कुछ भी नहीं की। अब काफी उम्र भी हो गई है उनकी, तो पहले क्या होता था, किसी ना किसी को उनके साथ में रहना पड़ता था, बात करते रहना पड़ता। तो उन्होंने बोला जब से हम एलेक्सा लेके आए हैं, वो दिन भर एलेक्सा के साथ कभी म्यूजिक, कभी वेदर, कभी न्यूज सुनते रहते हैं, और वो ब्लाइंड भी हो गए हैं, तो दिखता नहीं है कुछ उनको अब। और दिस इज द रीजन दैट नाउ दैट पर्सन इज लार्जली हैविंग अ बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। उधर से मुझे रियलाइज हुआ, हाँ यार एलेक्सा जैसी चीजें छोटी छोटी चीजों में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। ये वाला पार्ट है इधर, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस, ये ध्यान से सुनना, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडियंस के अचीवमेंट क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन की मटेरियल उठाओ, होमी बाबा से लेके जितने लोग मिले प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और टुडे, सबकी एटलीस्ट 50-50 वर्ड में अचीवमेंट लिख के रखो।
बार बार ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद करंट में कोई इंडियन का कोई अचीवमेंट हुआ, चाहे वो स्पेस में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, वो लिख के रखना है। सर इतने क्षेत्र है, आगे बढ़ते हैं बताऊंगा किसके अंदर पता होना चाहिए। अचीवमेंट्स, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से हमने दूसरे के टेक्नोलॉजी को इंडियनाइज किया। जेनरिक ड्रग्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो वाला पार्ट। लास्ट टॉपिक देखो कितना बड़ा है, दिखने में दो लाइन है लेकिन है सबसे बड़ा टॉपिक इस पूरे पेपर थ्री में। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ, आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कौन कौन सी फील्ड में भाई साहब, ये बड़ा डेंजरस है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजीज और उनसे रिलेटेड इश्यूज, प्लस प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड इश्यूज। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्षेत्र के अंदर तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन इस थर्ड पैराग्राफ से तुम्हें इंफॉर्मेशन मिली कि इंडियंस के अचीवमेंट तुम्हें एटलीस्ट इन 6 फील्ड के अंदर पता होना चाहिए। कोई भी ये 6 फील्ड से रिलेटेड किसी टेक्नोलॉजी का इंडियनाइजेशन हो रहा है, किसी इंडियन का कोई अचीवमेंट हो रहा है, तुम्हारे नोट्स में वो मेंशन होना चाहिए। दिस इज वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दिस इज वेयर योर टेक्नोलॉजी एंड्स, योर एनवायरमेंट स्टार्ट्स। पेपर थ्री के अंदर इकोलॉजी को भी दिया गया लेकिन बहुत स्पेसिफिक दिया गया, एटलीस्ट मेजरली ये स्पेसिफिक बोल सकता हूं। कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन स्पेसिफिक दिया इसने, डिग्रेडेशन, कोई ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये वर्ड बड़े बड़े नहीं डाले इसने, क्लियरली बोला है इकोलॉजिकल पोल्यूशन, कंजर्वेशन, डिग्रेडेशन इकोलॉजी की जो हो रही है, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन से, चाहे वो सैंड माइनिंग से, चाहे वो रिवर बेड के डिस्ट्रक्शन से, चाहे वो किसी भी प्रकार से। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अलग से टॉपिक दिया हुआ है EIA का। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को बहुत डिटेल में, फाइन डिटेल्स में पढ़ के जाना। बहुत कोर्ट जजमेंट्स भी है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सरकार रेकमेंडेशन, सिविल सोसाइटीज, गूगल से पढ़ना और अच्छे सोर्स गवर्नमेंट वेबसाइट या सिविल सोसाइटीज की वेबसाइट से, फालतू के मटेरियल्स पे रिलाय मत करना। इधर अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक कि EIA ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, नॉट जस्ट इकोलॉजिकल कंजर्वेशन बट ऑल्सो मेकिंग डेवलपमेंट मच मोर इंक्लूसिव, जो फर्स्ट टॉपिक था। ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन दोनों से कनेक्टेड है। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए एक सोर्स बताता हूं, 2016 के अंदर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, इंडिया का पहला प्लान इन 75 ईयर्स आज अगर मानू तो, और इस प्लान को शायद अभी अपडेट किया गया थोड़े दिन पहले। तकरीबन 100-150 पेज का फ्रीली डाउनलोडेबल डॉक्यूमेंट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। बाकी सब चीजों को साइड में लगा के सिर्फ ये प्लान पढ़ के चले जाना, डिजास्टर मैनेजमेंट का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हारा छूट जाएगा। इंडिया का पहला फाइन डिटेल्स में प्लान बनाया हुआ है। दिस कंप्लीट टॉपिक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी कंप्लीटेड फ्रॉम देयर। अब आता है लास्ट पार्ट इस टॉपिक का, सिक्योरिटी। इन सिक्योरिटीज में बहुत सारी चीजें डाली है इसने। फर्स्ट, लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज्म। फर्स्ट टॉपिक, मैं नंबर लिखते जाऊंगा, 250-250 वर्ड हर टॉपिक पे होने चाहिए तुम्हारे पास। डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म का स्प्रेड कैसे कनेक्टेड है, किस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है तो एक्सट्रीमिज्म फैलता है, और क्या डेवलपमेंट होने से भी एक्सट्रीमिज्म फैल सकता है, बिकॉज अब आपके पास पैसा आने लगा, रिसोर्स आने लगा, फंडिंग करने लगे आपने इसको। खालिस्तान 2.0 इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां पे लोगों ने फंड देना स्टार्ट कर दिया इस मूवमेंट को रिवाइव करने के लिए। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू सिक्योरिटी। एक्सटर्नल स्टेट का मतलब फॉरेन स्टेट्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार या कोई भी देश। नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब, अब यहां पे क्या है, थियरी में दो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स हैं।
एक कॉन्सेप्ट है डीप स्टेट का। इसके अंदर डीप स्टेट बोला जाता है सिविल सोसाइटी को, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को। और नॉन स्टेट एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को। कौन सा यूज करना चाहिए? दोनों यूज करना चाहिए। क्यों? डीप स्टेट भी उतना ही बड़ा थ्रेट है आज, जहां पे बहुत सारी इंटरनल सिक्योरिटीज सिविल सोसाइटीज इंटरनल सिक्योरिटी को बिगाड़ रहे हैं, थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अलायंस इंटरनेशनल एक एनजीओ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसे बंद कर दिया, बैन कर दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, क्योंकि ये कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर इंडिया के अगेंस्ट हेट्रेड पैदा कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटीज के फॉर्म में आपको मिलते हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट, केरला स्टोरी देखी होगी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है रिलीजियस या नॉन रिलीजियस जो एक इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट पैदा करती है। तो सिविल सोसाइटी और दूसरे देश किस तरीके से हमारे सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं या वायलेट कर सकते हैं। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क। सिर्फ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट चैलेंजेस नहीं है, इसके साथ इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंजेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग ये भी है। तो कभी पूछा जाए चैलेंजेस, इस पैराग्राफ के जितने एस्पेक्ट है सबको एक एक पॉइंट बनाना, और अपने आप में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पीएमएलए, प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आ सकता है, आया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 रिसेंटली अमेंडेड एज वेल, वो भी आ सकता है। इंटरनेट या सोशल मीडिया हैंडल्स या मीडिया किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट करती है इन द फॉर्म्स ऑफ फेक न्यूज, पेड न्यूज, रूमर्स एक्सेट्रा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े तो सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया में, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सिक्योरिटी चैलेंजेस कैसे हैं और मैनेजमेंट कैसे करना है, किधर? बॉर्डर एरियाज में, क्योंकि बॉर्डर एरियाज की ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इकोनॉमी, गवर्नेंस बड़े पेक्यूलियर होते हैं। क्यों? पोरस नेचर है इनका। अभी हमने देखा है कि थोड़े टाइम पहले कि म्यांमार के बॉर्डर को सील करेंगे हम, ओपन बॉर्डर है 16 किलोमीटर तक का। कल के द हिंदू के अंदर आया था कि किस तरीके से ये चैलेंजिंग सिनेरियो हो सकता है, सील करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। डायरेक्टली टॉपिक कनेक्टेड है आपके सिलेबस से, कल के पेपर से अगर पढ़ के लिखा होता ये टॉपिक बहुत अच्छे से कुछ कंटेंट मिल जाता आपको। बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है और उन चैलेंजेस को मैनेज कैसे करना है, ये होना चाहिए आपके पास क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज और उनके मैंडेट, इस चैलेंज को मैनेज करने के लिए इंडिया में कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज है। अब ये सिक्योरिटी एजेंसीज अगर मैं जनरली बताऊं तो डिवाइड किया जा सकता है इंटेलिजेंस एजेंसीज, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी, इसके अंदर आ सकता है नॉर्मल पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस। अब इस आर्म्ड फोर्सेस में एयरफोर्स भी आ सकती है, नेवी भी आ सकती है और आर्मी भी आ सकती है। ये सारी एजेंसीज का मैंडेट, इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर रॉ आता है, आईबी आता है, स्टेट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एसआईओज आता है। तो ये सबके मैंडेट तुम्हें देखनी है कि भैया इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से ये इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट को मैनेज करते हैं। एंड विथ दिस यू कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ पेपर 3। तो इफ यू लुक इनटू द सिलेबस ऑफ पेपर 3, there are major divisions which can be highlighted or which can be understood. पहले basic से, फिर agriculture, फिर industry, फिर उसके बाद हम देखते हैं infrastructure, उसके बाद ecology, उसके बाद internal security.
ये टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है जो मैंने पिछले वाले कुछ स्लाइड से पहले बताया था. इज एवरीबडी क्लियर विथ रेस्पेक्ट टू दिस? अब आते हैं पेपर फोर में. अब पेपर फोर के अंदर सबसे बेस्ट तरीका पेपर फोर पढ़ने का क्या है? बुक, न्यूज़पेपर, एनीथिंग एल्स. एक बेसिक बुक फॉलो की जा सकती है, बट वुड आई गेट दोज 140 मार्क्स? नो, नेवर, इम्पॉसिबल. करंट का कोई यूज नहीं होगा जब तक तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं पता होगी. ये तब काम आएगा जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है. लेकिन सर, बेसिक बुक को सिर्फ यूज करें तो नहीं, या तो इन दोनों को कनेक्ट करो. इससे बेहतर तरीका क्या है? जो अगले 3 महीने में आपका पूरा एथिक्स कवर कर सकता है बिना एनी एक्सटर्नल गाइडेंस और डेली 1 घंटे पढ़ के. टाइम भी नहीं लगेगा, डेली 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा आधा 1 घंटा तो लेके चलो. जितने टर्म्स है एथिक्स के अंदर, हर एक टर्म पे 150 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए. कौन सा कंटेंट? कॉन्सेप्चुअल कंटेंट. उसके बाद में कोई एग्जाम्पल और केस स्टडी लिखनी है तो लिखो. 150 वर्ड में उनको एग्जैक्ट सिंप्लीफाइड मैनर में आने चाहिए. सर मतलब कुछ ऐसा. पेपर फोर यूपीएससी का जो सिलेबस देखते हो तो पहले ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो. दिस पेपर वुड इंक्लूड क्वेश्चंस टू टेस्ट द कैंडिडेट्स एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इश्यूज रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी. आपका अप्रोच इंटीग्रिटी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ में किस तरीके का है, एंड हिज और हर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी प्रैग्मेटिक तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से कर सकते हैं. इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंशन है, ये क्लियरली बताता है आपका कंटेंट बड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए. ये फला सोक्रेट ने ये बोला, फला प्लेटो ने ये बोला, फला मार्क्स ने ये बोला, ये अर्थशास्त्र, ये वो कुछ नहीं मिलेगा. रद्दी. और देखो पेपर्स के अंदर हाई वेरिएशंस रहे एथिक्स के पेपर में. बूम 140, बूम 90, ये ऐसा वेरिएशन रहा. प्रैक्टिकलिटीज इज द ओनली थिंग विच कैन गिव यू मार्क्स. हर चीज को सिंप्लीफाइड मैनर में आनी चाहिए. अब मैंने जो 150 वर्ड बोला सर, उसका क्या? उसका ये एटीट्यूड जैसे लिखा है, इसका 150 वर्ड के अंदर आपके पास नोट्स होना चाहिए. इसका मीनिंग क्या है, इसके डायमेंशन क्या है, इसके एस्पेक्ट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी कुछ और अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है, मीनिंग क्लियर होना. एटीट्यूड होता क्या है पता चलना चाहिए. 2 लिखने वाली लाइन में होनी चाहिए, वो बोलने वाली लाइन में नहीं. सर एटीट्यूड का मतलब ये होता है, एटीट्यूड क्या है उसको लिख सको 2 लाइन में, राइट वर्ड्स में, वैसे नोट्स बनाओ. और ये क्लियरिटी अगर हर एक टर्म की जो पेपर के अंदर मेंशनड है हो गई, योर एथिक्स इज सॉर्टेड आउट, लीविंग ओनली 1 or 2 topics, जैसे सिविल सर्विसेज रूल्स क्या है वो पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, थिंकर्स थोड़ा थोड़ा
दो दो तीन तीन पेज पढ़नी पड़ेगी वो वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स में, तब पता चलेगा। इन दो टॉपिक को छोड़ के पूरा पेपर कवर हो जाएगा। इन दो टॉपिक के लिए तुम शायद एक किताब को फॉलो कर सकते हो। नाउ लेट्स लुक इनटू द सिलेबस ऑफ सिविल सर्विसेज पेपर 4, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। पूरे पेपर में पहले क्या बोला है, एक ह्यूमंस के अंदर एथिक्स किस तरीके से देयर इज एन इंपैक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एथिक्स इन आवर लाइफ, वॉट एवर मे बी आवर एक्शंस, इन विच एवर स्पीयर मे बी आवर एक्शंस, हाउ इट इज इंपैक्ट। Essence of ethics, determinants, किस basis पे ethical है या unethical है determine किया जाए। Consequences of ethics in human actions, मतलब आपके और मेरे actions, चाहे वो family में हो, collectorate में हो, PMO में हो, क्या है उसका essence, कैसे determine करूंगा वो ethical है कि नहीं और किस तरीके के उनके consequences है। Dimensions of ethics, पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एथिक्स के बारे में डिटेल दी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या dimensions है इनकी, इसका स्कोप क्या है। इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स, क्यों, क्योंकि एथिक्स जो प्राइवेट स्पीयर में होता है वो बहुत अलग तरीके से चलते हैं, वही पब्लिक स्पीयर के अंदर थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ह्यूमन वैल्यूज, क्या lessons from the lives and teachings of great leaders, कि बहुत सारी ऐसी values है जो often contradict करेगी तुम्हारे life में, और इससे निकलने के लिए, इस contradiction से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत सारी teachings है जो great leaders की है। अब इधर ध्यान से समझो, ये great leaders किनके बारे में बोल रहे हैं पता नहीं, वो मोदी जी भी हो सकते हैं, गांधी जी भी हो सकते हैं, हिटलर भी हो सकता है, यू नो रविंद्रनाथ टैगोर भी हो सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला भी हो सकते हैं, ई श्रीधरन भी हो सकते हैं जिन्हें मेट्रो मैन बोला जाता है, या कोई बाबा संत या कोई ऐसे शंकराचार्य भी हो सकते हैं। इनकी लाइफ से कुछ जो टीचिंग्स है वो किस तरीके की ह्यूमन वैल्यू समझाती है वो, अब वो नाम के साथ कल पूछ सकता है। अब ये टॉपिक 100% कभी कवर नहीं होगा, इतने लीडर्स हैं, बिकॉज ये टॉपिक ओपन एंडेड है, इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू लार्जली अंडरस्टैंड, बट मेक श्योर कि न्यूज में अगर कोई हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, कोई एक अचीव किया हुआ काफी पर्सनालिटी है जिन्होंने इन वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया, वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो या कोई गवर्नमेंट के लीडर्स हो, रिलीजियस लीडर्स हो, या फिर किसी सिविल सोसाइटीज के कुछ एक रिकॉग्नाइज्ड इंटेलेक्चुअल्स हो, सबके अगर कोई न्यूज है तो दो दो वैल्यू लिख के रख लो। एग्जाम्पल देता हूं, पिछले साल मेन से पहले ईला भट्ट, जिन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन को स्थापित किया, उनकी डेथ हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर थी वुमेन स्पीयर के अंदर। आया नहीं क्वेश्चन, लेकिन मैं शायद उसका बना के रखता कि यार इनकी वैल्यूज क्या थी, क्या ये मानते थे, क्या ये नहीं मानते थे। रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, तीनों की कोई ऐसी अचीवमेंट्स है जो न्यूज में है। मान लो किसी ने, कोई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ने किसी के ऊपर किताब लॉन्च की, सर ऐसे थोड़ी आता है। एग्जांपल दे देता हूं, का नाम नहीं याद आ रहा, 50 फाउंडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऐसा सा एक किताब था, रामचंद्र गुहा ने लिखी थी। चैप्टर में 50 फाउंडर्स थे, अलग अलग पर्सनालिटीज को डिस्कस किया। उसके अगले साल प्रीलिम्स, सॉरी मेंस में, 2012 की किताब थी, तो पैटर्न तब तक चेंज नहीं होता, 11 की किताब थी, 12 में आया ये। दो क्वेश्चन इसी किताब से उठा लिए, अरे सर ये पुरानी पैटर्न की बात है, क्या फालतू बकवास कर रहे हो। 2017 में इन्हीं रामचंद्र गुहा में 15-16 के अंदर आसपास एक किताब लिखी, What if Gandhi was not present? What would have been the face of freedom struggle? कुछ ऐसा सा एक नाम था। ये क्वेश्चन आ गया यूपीएससी ने, सीधा सीधा रामचंद्र गुहा की किताब से उठा गया। तो कोई ऐसी चीज आप देखते हो, याद रखना एथिक्स के अंदर उनके वैल्यूज का मूल्यांकन किया जा सकता है। रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंकल्केटिंग दोज ह्यूमन वैल्यूज। तो एज फार एज द फर्स्ट पार्ट इज कंसर्न, कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है इधर,
कॉन्सेप्ट पे सिर्फ ये है एथिक्स क्या है ये जानना, इसका मीनिंग, डिटरमिनेंट्स एक्सेट्रा, बाकी जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस पार्ट की। ये पब्लिक में कैसे होते हैं, प्राइवेट में कैसे होता है, लीडर से क्या सीखा, रिफॉर्मर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, और किस तरीके से फैमिली और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन एथिक्स को प्रोपगेट करने में मदद करती है या यू नो विकसित करने में मदद करती है। सेकंड से चले तो यहां से 150-150 वर्ड के नोट्स होने चाहिए हर एक टर्म के ऊपर। एटीट्यूड 150 वर्ड्स, मोरल 150 वर्ड्स, पर्सुएशन 150 वर्ड्स, हर टर्म के ऊपर एक 150 वर्ड का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तुम्हारे पास। सेकंड टॉपिक दिया उसने एटीट्यूड्स, एटीट्यूड का कंटेंट क्या होता है। अब कई बार हम देखते हैं योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी इज नॉट राइट यार, व्हाट इज दिस एटीट्यूड, इज दिस एटीट्यूड डिटरमाइंड बाय पर्सनालिटी और इज इट एटीट्यूड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल सेल्फ, द सोसाइटी एंड इन्फ्लुएंसेस माय एटीट्यूड टुवर्ड्स वन। फॉर एग्जांपल, attitude towards religious minorities, क्या वो मेरी personal choice है या फिर मेरे समाज से कहीं ना कहीं influence होती है, और समाज में होता है ethics, क्या उस ethics के basis पे मेरी attitude influence हो रही है कि भाई Jains जो है कंजूज होते हैं, मुस्लिम जो है radical होते हैं, सिंधीज ये होते हैं, हिंदूज ये होते हैं, ये होते हैं, वो ये होते हैं। ये attitude clear होना चाहिए। Content, structure, function, its influence and relationship with thought and behavior. कैसे आपकी attitude आपके thought को या आपके behavior को बता सकती है? तो कबीर सिंह movie जब देखी होगी, तो कबीर सिंह का जो attitude है, उसके thought और behavior दोनों को दर्शाता है। या फिर उसके thought और behavior से क्या उसकी attitude जानी जा सकती है? या possibility? Moral and political attitudes, social influences and persuasions. इसके अंदर तीन टॉपिक दिए हैं, attitude, morals and influences and persuasion. ये तीनों चीज you need to develop a crystal clear clarity. इसके बाद आता है aptitude, जिसे कई बार हम IQ, logics इनसे भी कनेक्ट करते हैं। aptitude and foundational value of civil services. क्या चीजें चाहिए, क्या aptitude होना चाहिए civil servant का? क्या yes boss aptitude होना चाहिए? No sir, I'm just going to do this. क्या you know damn care aptitude होना चाहिए? What I mean, ये एक right content क्या होना चाहिए personality में जो उसे civil servant बनाने के लिए सक्षम करता है? Integrity aptitude होनी चाहिए, impartiality दूसरी aptitude होनी चाहिए, non-partitionship तीसरी aptitude होनी चाहिए, objectivity, dedication, empathy, tolerance, compassion, पूरा answer यहीं पे दे दिया उसने कि ये सब के ऊपर 150-200 वर्ड होना चाहिए। objectivity क्या होती है, impartiality क्या होती है, empathy क्या होती है, sympathy क्या होती है, compassion क्या होता है। last year question आया कंपैशन और एम्पति के बीच में क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज मेक श्योर कि कहीं ना कहीं वो पता रहे। देखो मेंशन्ड है, एम्पति भी मेंशन्ड है, कंपैशन भी मेंशन्ड है, फालतू का इधर उधर निकला ही नहीं यूपीएससी, इन्हीं दोनों को मैच कर दिया, कल इन दोनों को कर सकता है, कल इसको इसको कर सकता है। मेक श्योर अगर इनकी क्लियरिटी है तुम्हें इनके मीनिंग की, वो फालतू गप मत मारना यहां पे। और सर कंपैशन, सर एग्जांपल दे देता हूं, जब भी तुम्हें ये लगे या कभी किसी के मुंह से ये सुनो, सर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकता हूं, वो आदमी उस कॉन्सेप्ट को क्लियर ही नहीं समझता है। ये लिख के रख लेना, चाहे टीचर बोले चाहे स्टूडेंट बोले। अरे एग्जांपल से कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्या? कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से समझ में आता है, एग्जांपल फिर बाद में हम कनेक्ट करते हैं इससे। एग्जांपल नहीं होने चाहिए इधर, एग्जैक्ट ब्लडी कंटेंट होना चाहिए। क्या है कंपैशन, कोई एग्जाम्पल यूज कर सकते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए, बट गेट द ब्लडी मीनिंग ऑफ कंपैशन राइट। इमोशनल इंटेलिजेंस अलग से टॉपिक दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि ये सिविल सर्वेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड है जो होनी अनिवार्य है।
सिविल सर्वेंट शुड ऑलवेज बी इमोशनली इंटेलिजेंट. क्यों? इमोशनल इंटेलिजेंस होता है नॉट इग्नोरिंग योर इमोशंस, मैनेजिंग योर इमोशंस. अपने इमोशंस को बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से समझ के एक्शन लेते हो. कई बार आप बहुत खुश होते हो ना, अरे यार सबको बता देता हूं, वो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है. इमोशनल इंटेलिजेंस गुस्से में कुछ भी बोल दिया, इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं हो आप. इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरीके से ये आज एडमिनिस्ट्रेशन में यूज हो सकता है, आप उसके अंदर देखो क्या इसके आपके एस्पेक्ट्स हैं विच आर रेलेवेंट हियर. इस पे बहुत कंटेंट है यार, किताबों में, चीजों में. ये टॉपिक तो कोई रिस्क ही नहीं है. कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड बियॉन्ड. तो मॉरल थिंकर्स मतलब पॉलिटिकल नहीं पढ़ना है, मॉरल थिंकर्स. बट अगेन पॉलिटिक्स और मॉरल को सेपरेट करना शायद पॉसिबल नहीं है. फिलोसोफर्स, अब पहले क्या था, फिलोसोफर्स जो थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं या फिर एक इकोनॉमिस्ट भी हो सकते हैं. तो अब ये क्या क्या पढ़े सर, नो लिस्ट, इधर अब कुछ भी आ सकता है. उसने रेनल डिस्कार्ट्स के बारे में पूछा, कल हो सकता है वोल्टेयर के बारे में पूछ ले, परसों हो सकता है मार्क्स के बारे में पूछ ले, तरसों हो सकता है कि शायद कोई इकोनॉमिस्ट के बारे में पूछ ले, एडम स्मिथ, दूसरे दिन कोई हिस्टोरियन के बारे में पूछ सकता है. ये टॉपिक का हाथ पांव नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि इधर जो किताब फॉलो कर रहे हो ना, वहां पे 40-50 स्कॉलर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, वो एटलीस्ट पढ़ लेना. बिकॉज ऑलवेज यू वुड हैव, इट्स लाइक अ ब्लैंक शॉट, तुक्का है ये, इतने पढ़ लेते हैं, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो दैट इज समथिंग जो शायद आपको आपको मैनेज करना पड़ेगा, या फिर आपको वो चॉइस ऑफ द क्वेश्चन को अवॉइड करना पड़ेगा. पब्लिक सर्विसेज या सिविल सर्विसेज, वेल अब पूरा कंटेंट है सिविल सर्विसेज के ऊपर. इंडिया की सिविल सर्विसेज में एथिक्स का क्या कनेक्शन है, हमने इससे पहले देखा ये वाला, और अब फिर दूसरा ये और तीसरा ये. पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, स्टेटस और प्रॉब्लम्स, जैसे कोड ऑफ रूल्स बुक्स है बनाए हुए हैं. एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमा इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, क्या एथिकल कंसर्न आप फेस करते हो चीजों को इंप्लीमेंट करते वक्त, बनाते वक्त, फोन आ गया पॉलिटिशियन का, फैमिली के अंदर क्राइसिस है, वाइफ प्रेग्नेंट है लेकिन डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किसी एक लॉ एंड ऑर्डर एरिया डिस्टर्ब्ड में हो गई, क्या किया जाए, कैसे मैनेज करूं, बच्चों की एजुकेशन या मेरे कमिटमेंट्स, मेरे कमिटमेंट कुछ ज्यादा होने के कारण फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करना है, वो बहुत कंसर्न्स आते हैं. लॉस, rules, regulations, concerns and source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening ethical and moral values in governance, in sare topic pe ek cheez bol de raha hu. Second ARC ka ethics in governance ka ek report hai, utni pad lena, directly copy pasted hai second ARC se sari cheeze. Second ARC administrative reform commission ek organization thi jisne 15 report diye hain. पेपर टू में काम आता है कुछ रिपोर्ट्स. इधर एथिक्स इन गवर्नेंस जो है वो पूरा रिपोर्ट पढ़ लोगे, 200-250 पेज तो लगेंगे उसमें कम से कम, ये पूरा टॉपिक परफेक्ट लेवल पे कवर हो जाएगा. अब चॉइस आपकी ये किताब से पढ़ना है, क्योंकि किताब है वहां पे भी उसी से कॉपी पेस्ट किया गया, तो किताब पढ़ रहे हो तो वेल एंड गुड. प्रॉबिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रॉबिटी, ये सारी चीजें प्रॉबिटी के ऊपर है कि इनका मीनिंग पता होना चाहिए, और ये प्रॉबिटी मतलब क्या है, एफिशिएंसी भी, ट्रांसपेरेंसी भी, अकाउंटेबिलिटी भी, दैट हैज टू बी अडहर्ड इफ द प्रॉबिटी इन गवर्नेंस हैज टू बी डन. क्या क्या चीजें हैं जो प्रॉबिटी गवर्नेंस में लेके आती है, कोड से, सिटीजन चार्टर से, वर्क कल्चर, इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ये टॉपिक्स दिए हैं कि हाउ प्रॉबिटी कैन बी एनहेंस्ड हियर. सॉरी 10 लेट हो गया. इधर एक क्वेश्चन दिया, करप्शन किसी पेपर में मेंशन नहीं है, सिर्फ पेपर 4 में मेंशन है, चैलेंजेस ऑफ करप्शन, किसके लिए, करप्शन इज बिकमिंग अ चैलेंज इन प्रॉबिटी, कि चैलेंज करप्शन इज लार्जली हैम्परिंग द प्रॉबिटी, या फिर प्रॉबिटी नहीं होने से ये करप्शन आ रहा है, दैट एज दैट रिलेशनशिप इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेकेंड एआरसी, वो सेकेंड एआरसी में वो रिलेशनशिप भी दी हुई है.
ये पूरा टॉपिक कॉपी पेस्टेड है, प्लीज हैव अ लुक टू दैट रिपोर्ट, फ्रीली अवेलेबल, घर बैठ के डाउनलोड भी कर सकते हो। लास्ट टॉपिक है केस स्टडीज ऑन अबू इशू। अबू इशू मतलब प्रोबिटी, पब्लिक सर्विस, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्ट्रीब्यूशन, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सबके ऊपर रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है केस स्टडी में। तो केस स्टडी का एक थंब रूल याद रखना, कोई भी केस स्टडी अगर ले रहे हो, पहली चीज एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, कोई मॉरल थिंकर अगर आप बता सकते हो कनेक्शन में तो गुड, नहीं तो इट्स ओके। पब्लिक सर्विसेज की मेंटालिटीज और वर्क कंसाइंस, प्रॉबिटी, ये 5-6 पॉइंट हर एक केस स्टडी में मेंशन होना चाहिए कि ये प्रोबिटी भी मुझे फॉलो करनी पड़ेगी, एटीट्यूड भी मेरा राइट होना पड़ेगा, एप्टीट्यूड भी मेरा दिखाना पड़ेगा, गवर्नेंस रूल्स एंड मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। मेक यूज ऑफ दीज 5, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1, क्यों 6-7 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडीज के, हर जगह 5-5 नहीं चिपकाने हैं, 2-2, 3-3 यूज करके आपका थियरी वाला पार्ट लेके आओगे आप केस स्टडीज के अंदर, एंड ऑन दैट बेसिस यू विल डिस्कस दिस। समडे हो सकता है पॉसिबली आई मे टेक योर एथिक क्लासेस इन टाइम्स टू कम, इसको और थोड़ा डिटेल रखेंगे, बट थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ा बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स। दिस वॉज योर सिलेबस ऑफ पेपर 3 एंड पेपर 4। The approach has to be clear, the syllabus has to be connected, and if there are connections present in your syllabus, your 30% job of civil services is already done by today. Provided har syllabus ko is tarike se connect karte chale jao. Pehle din maine bola 10 minute syllabus padhna hai, reason ye tha, jitna padhoge utna zyada connect hota jayega syllabus. Aisa nahi hai aaj jitna hua hoga kal aur kar paoge, parso aur, har baar enhance hota jayega connections. And you'll have a wonderful results. Anything else, guys? Kuch aur cheeze? Any doubt with respect to this? And from tomorrow onwards, I believe you'll have your regular classes with the respective faculty. Theek hai? Kuch aur? Kisi se? Koi doubt hai? Batao mujhe abhi. Main doubt le leta hu agle 15-20 minute. Then we'll wind it up. यार एथिक्स का मीनिंग, मॉरल का मीनिंग, ये एक बार बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज राइट नाउ सिलेबस के अंदर कंप्लीट करना थोड़ा, मैंने मीनिंग और कंटेंट कोई डिस्कस नहीं किया पेपर 3 का भी पेपर 4 का भी, अब ये इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्कस इट हियर। सर रिपोर्ट कौन सी बताई थी? सेकेंड ARC की रिपोर्ट, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हेडेड बाई वीरप्पा मोइली, फॉर्म्ड इन द ईयर 2000 बाई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। 15 रिपोर्ट है इसकी, सब नहीं पढ़नी है, एथिक्स वाली पढ़ लेना। ई गवर्नेंस पे भी रिपोर्ट है, पेपर 2 में काम आएगी। ठीक है, जस्ट एक्सप्लेन इन ओवरव्यू ऑफ पेपर 2। अरे यार, क्लास नोट सफिशिएंट होगा एथिक्स का? डेफिनेटली, उतना भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ ये बोला कि एथिक्स के पेपर में थोड़ा हाथ पांव नहीं है, तो थोड़ा ज्यादा अंदर जाओ चीजों के, मतलब बेनिफिट होगा उस चीज का। चलो यार, पेपर 2 में जस्ट टच करूंगा। पेपर 2 के अंदर आपके 3 मेजर डिविजन है, चार मेजर डिवीजन लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले पार्ट में अगर आप देखोगे, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो तुमने ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ा होगा वो पूरा पार्ट है। पार्लियामेंट की फंक्शनिंग भी है, कॉन्स्टिट्यूशन की फंक्शनिंग भी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, जुडिशियरी, हर चीज मेंशन्ड है। तो ये फर्स्ट पार्ट
कंप्लीटली ओवरलैप करता है विथ योर प्रीलिम्स. तो ये वाले पार्ट में कोई अलग से कंटेंट पढ़ने की जरूरत बनती नहीं है, बिकॉज यू वुड ऑलवेज स्टडी दिस फॉर प्रीलिम्स. देयर वुड हार्डली बी एनी डिफरेंस प्रेजेंट हियर. कौन से पार्ट की बात कर रहे हैं हम? ये वाला पार्ट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारी डिटेल दी हुई है इधर. पार्लियामेंट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग एक्सेट्रा, जुडिशरी की, डिपार्टमेंट्स की, ये वाली पार्ट. और यहां से स्टार्ट होता है गवर्नेंस. तो दिस पार्ट इज समथिंग विच वुड नेवर बी अ चैलेंज टू यू, बिकॉज यू वुड हैव स्टडीड दिस सो स्ट्रॉन्गली फॉर 6-7 months दैट पार्लियामेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज रिमेन्स कवर्ड. सेकेंड आता है गवर्नेंस. इस गवर्नेंस के अंदर काफी एस्पेक्ट है. पूरा सिलेबस इधर डाल दे रहा हूं गवर्नेंस का, ध्यान से समझ लेना. Take a picture of it. ये है आपका सिलेबस गवर्नेंस और सोशल जस्टिस दोनों का. दिस पार्ट इज सोशल जस्टिस, थर्ड पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ये है गवर्नेंस. गवर्नेंस में मेंशन्ड क्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये 6 चीज मेंशन्ड है. सर बाकी क्यों लिखी है? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के पार्ट है, पहलू है ये सारे के सारे पार्ट्स. तो इसलिए ये सारे चीजें पढ़ी जाती है. ये दोनों पेपर 4 के अंदर भी आते हैं.
और सिविल सर्विसेज का जो करप्शन वाला पार्ट है, रिफॉर्म्स वाला पार्ट है, वो भी पेपर फोर के अंदर आता है। तो तीन ऐसे पार्ट है पेपर टू के जो आपके पेपर फोर के अंदर भी आते हैं बियॉन्ड दिस, और ये सिलेबस है यहाँ पे आरपीए, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, पार्लियामेंट वाला, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंटल वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, डेवलपमेंटल प्रोसेस जो मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप और वो सारा लिखा है, एनजीओ एक्सेट्रा, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वनरेबल सेक्शन, सोशल जस्टिस वाला पार्ट, पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लेना, ये वेलफेयर स्कीम सिर्फ सेंटर की नहीं चलेगी, सेंटर और स्टेट दोनों की पूछी गई है। तो कई बार द हिंदू के अंदर जो स्टेट वाला सेक्शन आप छोड़ देते हो ना, तो वो वाला छोड़ना मत आज से, क्योंकि स्टेट की स्कीम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो केरला के फ्रेंड्स प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या सरकार मोरे द्वार बंगाल की स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। And the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of vulnerable sections. ये social justice, ये governance, ये governance. Issues relating to development and management of social sector services related to health, education, human resources, that is skilling. ये वाला part मैंने उस diagram के अंदर social justice में डाला है कि ये social justice, participation of people तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ठीक health नहीं होगी, ठीक शिक्षा नहीं होगी और ठीक skilling या human resource development नहीं होंगे। Issues related to poverty and hunger. ये वाला पार्ट अगेन सोशल जस्टिस, जहाँ पे पॉवर्टी और हंगर के रिलेटेड इश्यूज, हिडन हंगर से लेके रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, राव एंड दांडेकर, तेंदुलकर कमिटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यूनिवर्सल बेसिक इनकम्स, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो यहाँ पे कनेक्ट किए जाएंगे और करने पड़ेंगे। माल न्यूट्रिशन, हिडन न्यूट्रिशन, सॉरी हिडन माल न्यूट्रिशन, ऑल दोज एस्पेक्ट सोशल जस्टिस है ये सारा। Important aspects of governance, e-governance, application models, मैंने जो बताया, citizen charters, transparency and accountability and institutions and other measures, role of civil services and democracy, पूरा का पूरा governance, India and neighborhood relationship, ये यहाँ से start होता है आपका IR का part, यहाँ पे India की neighbor के relationship, India के bilateral, regional और global groupings के अंदर relations, effect of policies and politics of developed and developing countries, जो इंडिया के इंटरेस्ट को इंपैक्ट कर रही है, मान लो चाइना ने कुछ यू नो वन चाइल्ड पॉलिसी चेंज की तो उसके ऊपर कोई इंडिया की इंपैक्ट होगी क्या? तो नेबर वर्ल्ड और डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज की पॉलिसी इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट रख रही है? इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, अगेन ओपन एंडेड टॉपिक, बहुत डिफिकल्ट है इसको प्रेडिक्ट करना। ILO हो सकता है, UNFCCC हो सकता है, COP हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, IMF हो सकता है, एशियन बैंक हो सकता है, ब्रिक्स बैंक हो सकता है, कोई और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो, नागोया प्रोटोकॉल या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज से स्टार्ट हो गया आपका पेपर थ्री, या बहुत शॉर्ट में मैंने ये बताया पेपर टू का, बट ये सिलेबस वाला पार्ट एक बार कनेक्ट रखोगे तो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस वाला पार्ट यहाँ पे टेक केयर हो जाएगा। इससे पहले पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, आईआर, दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर जीएस पेपर टू विद रेस्पेक्ट टू मेंस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। एनीथिंग एल्स गाइस? मैं सिर्फ स्टडी आईक्यू को फॉलो करूं? यस गाइस, ये तो पहले दिन मैंने बताया था, कंटेंट एक ही रखो गाइस। सच बात ये है, ज्यादा डिफरेंस कंटेंट पे नहीं आने वाला है। जब कंटेंट का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उस कंटेंट को तुम यूज कर पाओ वो इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन में, तो आप कंटेंट पे फोकस नहीं करोगे। स्टडी आईक्यू पढ़ लो, विजन पढ़ लो, वाजीराम पढ़ लो, दिवाकर पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, बराबर है सब, एक 19 और 20 का ही फर्क पड़ने वाला है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू डिसाइसिवली डिसाइड योर सिलेक्शंस और रेस्ट्रिक्ट योर सिलेक्शंस एज सच। एनीथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड व्हिच आई कैन हेल्प यू विद? ऑप्शनल की तैयारी अच्छे से कर लेना, 2025 में टाइम है, इसको बैठ के वेस्ट मत करो, गेट टू द ऑप्शनल। इसी डेप्थ में आप ऑप्शनल को पढ़ो, उनके सिलेबस को इससे ज्यादा कनेक्ट करो, and you will have a very good journey in your entire civil services.
पीपीटी यार फूड प्रोसेसिंग की मैंने एक गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाई थी, काफी टाइम हो गया इस चीज को तो मेरे को याद नहीं है वो वेबसाइट कौन सी थी, बट मैंने उठाई वहीं से थी, वो फूड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग थी जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, बट अगेन आई एम नॉट श्योर, लॉन्ग टाइम। बुक्स फॉर पेपर टू, गवर्नेंस के लिए एक किताब होगी, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, गवर्नेंस के लिए भी लक्ष्मीकांत साहब की गवर्नेंस इन इंडिया आती है या स्टडी है, क्योंकि बुक इज वेरी गुड इन गवर्नेंस। और आईआर के लिए यार कोई ऐसी किताब नहीं है, वो बेसिक जरूर है कई यू नो नेशनल बुक ट्रस्ट की पब्लिकेशंस, बट वो बहुत 20-20 साल पुरानी पब्लिकेशंस है, वो मेरे हिसाब से शायद आपको करंट अफेयर्स या मैगजीन से ही कवर करना चाहिए। ठीक है, टेक केयर गाइज, हैव अ रियली नाइस जर्नी अहेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके इस तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, बाय बाय। स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।